आदिपूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं श्री गणेशं नमाम्यहम्। जय बाबा चलनाथ की। विन ग्वालियर हेडवे 10SR सिटी केबल के साथ डिजियाना की संयुक्त प्रस्तुति MIS आओ मेरे चले कार्यक्रम में मैं शिरीश गुप्ता गुड्डू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 16 जनवरी और मंगलवार का दिन, शायद पहले ही मंगलवार इस कार्यक्रम पर चली चलते हैं आज के कार्यक्रम में, देखते हैं किसने क्या घूमा, क्या देखा, क्या पसंद किया और कौन आया आपको गुदगुदा गया इस कार्यक्रम में MIS आओ मेला चले। मैं आपका कृतिका। कृतिका क्या सुनाओगे आप? पोयम। पोयम सुनाओ। खानदान की इज्जत लड़की, खानदान की रौनक लड़की, पर जब जब लड़की पैदा होती क्यों चेहरा मुरझा जाता है, क्यों मातम साचा जाता है। लड़की भी तो बड़ी होगा डॉक्टर इंजीनियर बन सकती है, देश किसान बढ़ा सकती है, लड़की होना पाप नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे वेरी गुड, या तो आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर मैसेज दिया और क्या है। एक पोयम एक और है। हाँ। घुटनों से लेके 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 कब पैरों पे खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में जाने क्यों मैं बड़ा हुआ, सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊँ बड़ा माँ मैं आज भी तेरा बच्चा। अरे वेरी गुड, मैं भी आपको भी गिफ्ट दूंगा। क्या नाम है आपका? अर्श। अच्छा क्या करके दिखाओगे, क्या करके दिखाओगे? पोयम स्टैंड। पोयम और स्टैंड, पहले पोयम सुनाओ। तितली रानी बड़े आ रही हो पलंग पे आ रहे, कितनी कहलाओगी रंग बदल के हमको प्यालाओगी। अरे आपने आधी अधूरी सुना दी है यार, चलो स्टैंड करके दिखाओ। स्टैंड कैसे करते हैं, स्टैंड करके दिखाओ, करो एक ही तरीके से और करके दिखाओ ना लगातार दो तीन बार करो। बस वेरी गुड, आ जाओ सब लोग तालियां बजाएंगे, देखो इधर आ जाओ, वेरी गुड इधर आ जाओ। आपका नाम क्या है? अभिनव रॉय। आप कहाँ रहते हो? ग्वाली। अच्छा क्या सुनाओगे? पोयम सुनाओ। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार वाय बंडल व्हाट यू आर फेदा बर्सवाई रेडी डमन इन द स्टार। बस इतनी सी? चलो मैं भी आपको भी गिफ्ट देता हूँ। आपका नाम क्या है? अनन्या। अनन्या नाम है आपका? अच्छा तो आप टीवी पे देखते हो ये मेला? टीवी पे देखते हो, कैसा लगता है मेला, आता है आपके टीवी पे? रात को आपने देखा था मेले का कार्यक्रम? नहीं देखा। अच्छा तो आप क्या सुनाओगे? पोयम। पोयम सुनाओ, सुनाओ। अरे रोना थोड़ी है, पोयम सुनानी है आपको। अच्छा अच्छा पहले पहले हाथ नीचे करो, हाथ तो नीचे करो आप। आप सुनो, अच्छे बच्चे हो ना आप कि गंदे बच्चे हो? पोयम सुना देने एक साथ। आप तो रोने लगे। चलो मैं भी आपको गिफ्ट दूंगा, ठीक है? क्या नाम है आपका? चलो बेटे क्या नाम है आपका? आप क्या सुनाओगे? पोयम। पोयम सुनाओ। मछली के लाने का पानी है, जीवन उसका पानी है। हाँ हाथ लगाओ जाएगी, हाथ लगाओ जाएगी, बाल काटना मत जाएगी। चलो वेरी गुड सुना रहा हूँ। क्या नाम है आपका? सुबाटम। अच्छा आप क्या सुनाओगे आप? मैं पोयम। पोयम सुनाओ। आप बांसुरी की आवाज निकाल लेते ना, बांसुरी बजाते हो आप ऐसे ही? अरे वेरी गुड यार, और बजाओ बजाओ बांसुरी, और बजाओ बांसुरी। अरे वेरी गुड, एक बार और बजाओ।
ये किससे सीखी आपने? ये सीख लिया अपने आप आ गई है। हाँ? अरे तो देखो ताली बजाएंगे सारे बच्चे। पहली बार देखिए एक छोटे से बच्चे ने एक नई तरीके से भले विसिल्स के साथ बांसुरी बजाई है, लेकिन बजाई है। ताली तो बनती है, घर बैठे भी ताली बनती है। हाँ जी, नमक नमक है ये। अभी बताऊंगा ये भी कौन है। नहीं कौन कौन है? तुम पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा मोबाइल शॉप है। हाँ, नमक उनका नाम लाल मिर्ची है भाई सबका। अच्छा, क्या नाम है आपका? नमक। क्या नाम है? लव गुप्ता। लव गुप्ता। लव गुप्ता, तो आप क्या सुनाओगे? एक नमक, इसका नाम नमक है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ बोल रहा है। कौन? लव। लव नाम है तुम्हारा? लव माने क्या होता है? प्यार। तो बताओ नमक हो तुम, अपना प्यार कितना बगेरा है। साहब कुंभ के मेले गए थे मुझे ना अभी बात। नमक, हाँ, काई की एक्टिंग करके दिखा रहे हो? भिखारी की। भिखारी की एक्टिंग? भिखारी की एक्टिंग करके दिखा रहे हो? ये सुनाना है भाई साहब। भाई साहब मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया भाई साहब। भाई साहब मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया। भाई साहब एक रुपया दे दो भाई साहब। भाई साहब मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया प्लीज। और मतलब किडनैपर। ये देखिए, ये छोटे से बच्चे ने एक मैसेज दिया है। ये आप जो पुण्य का काम करते हैं ना, पुण्य वाला समय रहना, भी मकर संक्रांति थी, पुण्य बांटना है भिखारियों को, कैश भी देना है। और आप जो कैश दे के आते ना उनको रात में पी के, वो देशी शराब, फिर वही भिखारी उनमें से जो कुछ होते हैं भिखारी लोग आपके संग कहीं ना कहीं उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, लूटपाट भी कर देते हैं, भीख पेशा बना लिया है हमारे हिंदुस्तान को। जो बदनामी एक तरीके से मिलती है ना, ये भिखारियों के वजह से। अंग्रेज लोग आते हैं वो उनको देख के पुअर इंडियन बोल जाते हैं धीरे से। तो मैं आपसे बार बार बोलते हुए आ रहा हूँ, हट्टे कट्टे आदमी को भीख दे के अपना पुण्य ना कमाए, आप पाप के भोगी बन रहे। छोटा सा बच्चा एक मैसेज दे रहा है, भीख कैसे मांगते हैं, यानी सड़क पर वो देख रहा है कि इस तरीके से भीख मांगते, उसके दिमाग में वो पिक्चर क्रिएट हो गई और यहाँ मेले में उसने आके वो एक्ट कर दिया। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अगर आपको भीख देना ही है ना, किसी अनाथालय में जाइए ना, वहां जाके दीजिए, वहां पे उनको जरूरत है। इसके साथ में कोई बुजुर्ग अगर आपको मिल रहा है, आपके आस पड़ोस में भी कहीं कोई ऐसा बुजुर्ग हो सकता है जो हेल्पलेस है, उसको हेल्प की जरूरत है, उसकी हेल्प करिए। सड़क चलते कोई छोटे छोटे बच्चे आपसे मांगते दया खा के आप दे देते हैं, वो आपको इतना इमोशनली कर देते हैं कि आपको दया खानी पड़ती है, उनका धंधा बंद कर दीजिए। चलिए, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मुस्कान गुप्ता। मुस्कान, आप दोनों भाई बहन है? नहीं, ये मतलब मेरी माम बुआ की लड़की। क्या है ये? एक मिनट मैं लगाऊं, नेटवर्क नहीं आ रहा पगले। एक मिनट, तार का है, लग गया। गाना सुनाऊंगा। एक दुनी दो, दो दुनी चार, इनका पंकज इनकी निंगू डू डू। चाची हम बोल रहे हैं, बाबू भाई दादा आवाज आ रही है। अबे ये इससे काल से क्या कर रहे हो? इससे लैपटॉप का वीडियो कॉल। अबे हेलो चाची, बढ़िया हेलो जाने हम दाल मखानी। अबे क्या नौटंकी कर रहे हो? ये मोबाइल है भाई साहब। मोबाइल है उसको, मोबाइल है ये। लैपटॉप कहाँ है मेरा? सर टावर आवे, सर टावर आवे, टावर आवे, टावर आवे। ये लैपटॉप है क्या? मेरा वीजा, मेरे वीजे को मैंने कमांड ओके खिलाया भाई साहब। मैंने कमांड ओके दिया, मैंने खिला दे, खाने के बाद बोलती है कुत्ते के लिए रखा था। अभी आया नहीं था कहीं। आपने कल निप्पू बोला, आज सुबह पापा नाश्ता कर रहे थे, मेरे को देख के पूरा निचोड़ दिया मैंने। क्यों तेरा पुए रखे, तू निप्पू है। कल को आप हरी मिर्ची बोलते क्या चीजें काट देते। अच्छा हुआ पपीता नहीं बोला, नहीं तो अंदर के बीजे निकाल देते मेरे। भाई साहब बैगन नहीं बोला, नहीं तो जलते गैस पे रख देते। तुम लोग कर क्या रहे हो ये? हेलो, हाँ आ रहा हूँ। हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा। हेलो, चाची कैसी है? हमेशा मजाक करते हमारा। तो तुम मजाक का अपना खुद बनवा रहे हो, क्या कर रहे हो? लैपटॉप। क्या का लैपटॉप है? 450 करोड़ रुपए का। आज संडे वाला टैबलेट। आज हम टैबलेट, पानी ले टैबलेट खिला दो तुमको। मैं फोन करनी है, बात करनी है।
फोन मत करो, मैसेज करो, मैसेज तुम्हारी माँ बिगड़ चुकी है। माता जी कभी पिताजी बोल के देखो मजा आता है। माता जी बोलते शमशान घाट की रात जंग लगे छेनी हथौड़े बुजुई रात तेरी जिंदगी खाक कौन मोबाइल से बनाता है ऐसा फोन आया है। अरे खमा ढोकला खत्म हो गया, कल उसको हार्ट अटैक आया था। मैं प्रेस में निकालूंगा, प्रेस में निकालूंगा, मोबाइल बंद था। मैं सर्दी वाले टोपा पहन के आया हूं। साहब यार मेरी बात सुनो, ये बच्चों के प्रोग्राम में आकर दिमाग खराब मत किया करो। समझी को जी हाँ अम्मा, तो समझ में आया आपको? साहब जा रहे हैं, सुनो मेरी बात, आपने कल मुझे पिटवा दिया पर मैं सुधरूंगा नहीं क्योंकि मैं चाची। चलो बाय कर लो। जिससे जिससे प्यार करता हूँ उसे भगवान कहते हैं, जिसको नाक मारता हूँ चाची कहते हैं। सर लैपटॉप का माही कन्या आपका सोना पट सोना आपका कृतिका गुप्ता तो बहुत अच्छी पोइम सुनाई थी बेटी बचाओ पर। मुस्कान गुप्ता मुस्कान काजल वर्मा। अच्छा आप लोग डांस कर रहे हैं। वेरी गुड आर्यन, कहाँ रहते हो? दाल बाजार। दाल बाजार, आप क्या सुनाओगे? शायरी। जल्दी से। किसी भी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता, शायद अब घर से कोई माँ के पैर छूकर नहीं निकलता। माँ की वो दो रोटी कहीं नहीं मिलती, बड़े बड़े होटलों में भूख नहीं मिटती। वाह बहुत शानदार। और है? कुछ नहीं पाया तो क्या गम, क्या गम है? माँ बाप को पाया है तो क्या गम है? जो थोड़ी सी जगह मिली उनके कदमों में वो क्या किसी जन्नत से कम है। वाह बहुत शानदार। और है कोई? और कई बूंद कई वो कहता हाँ कई बूंद चाहिए गिलास भरने के लिए, कई फूल चाहिए माला बनाने के लिए, कई कई दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, पर माँ अकेले ही काफी एक, एक पर माँ अकेले ही काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। बहुत शानदार। और है? खत्म। वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने। कौन सा स्कूल हमारे प्रोग्राम में चल रहा है? मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल। वेरी गुड, एक आपके लिए है। कहाँ पर है ये? शुपरी लिंक रोड। एक आपके लिए है। अरे ये के लिए आपने बहुत बेटर किया है। MIS मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल से शुपरी लिंक रोड से एक आपके लिए, आपके लिए भी है। एक आपके लिए है बेटे MIS से, एक आपके लिए है बेटे MIS से, आप तो रोने लगे थे। एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है MIS मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल से। एक आपके लिए, बहुत अच्छी आपने शायरियां सुनाई है, आपके लिए है। एक आपने डांस अच्छा किया है। एक आपके लिए, आपके लिए है बेटे MIS मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल से। एक एक और है आपके लिए, ये भागीरथ प्लाजा क्षति नंबर 8 से, रखते जाओ। एक आपके लिए है, आपके लिए भी है बेटे, रखो। एक आपके लिए, आपके लिए, एक आपके लिए भी है भागीरथ से है, आपके लिए भी है बेटे भागीरथ से। एक आपके लिए भागीरथ प्लाजा क्षति नंबर 8 से, एक आपके लिए, एक आपके लिए। और ताजमहल पोहा से एक आपके लिए और है, आपके लिए भी है। एक आपके लिए है ताजमहल पोहा से, आपके लिए भी है ताजमहल पोहा से। पोहा खाते हो आप लोग? खाते हो? ताजमहल का खाया किसी ने? नहीं खाया। चलो एक आपके लिए भी है ताजमहल पोहा से। खाया है? अरे वेरी गुड, रख लो। एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है ताजमहल पोहा से, रखो बेटे ताजमहल पोहा से। एक आपके लिए है ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए भी है, आपके लिए भी है। आपने बहुत अच्छी हाँ शायरियाँ सुनाई, आपके लिए बड़ा सा है। पोहा खाते हो आप? ताजमहल का खाया है? नहीं खाया। अच्छा लगेगा तो बाजार से मंगवाओगे? मम्मा से कह के पक्का? कहाँ पे मिलता है ये? नहीं मिलता। हरी बाबू पोहा वाले हमारे दाल विहार के भाई, किसी शॉपकीपर को अगर ये नहीं मिल पा रहा है दाल विहार में, चले जाइए हरी बाबू पोहा वाले जो है वो स्टॉकिस्ट है मैन दाल विहार में, उनके यहाँ से आप पोहा ले सकते हैं। नहीं तो बाजार में हर शॉप पे। और इसमें एसिडिटी भी नहीं होती। एसिडिटी भी एसिडिटी नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये। आपके लिए ताजमहल पोहा से। एक एक और आपके लिए है मेरे पास। कौन सी चाय है ये? पद्मश्री। क्या खासियत है ये?
सीटीसी चाय, सीटीसी चाय। और ये कहाँ पर है शहर में? नया बाजार, आरआईटी कंपनी, लेकिन हर शॉप पे मिलती है। एक आपके लिए है बेटे, भी है एक आपके लिए है, आपके लिए भी है एक, आपके लिए है बेटे, आपके लिए भी है, रखो एक आपके लिए है, आपके लिए भी है ये पद्मश्री चाय, आपके लिए भी है पद्मश्री चाय, रहने दो आप, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए। कुछ बांसुरी बजाई थी अलग सी, है ना, कुछ नया करके दिखाया, ये रहने दो, ये दे देता हूँ आपको बड़ा वाला, एक आपके लिए पद्मश्री चाय से, एक आपके लिए आरआईटी कंपनी नया बाजार से आपके लिए। गालब पूरा बोलो, गालब चक्की फ्रेश, गालब चक्की फ्रेश है ना, क्या खासियत है, कौन बच्चा बताएगा? हाँ, गालब चक्की फ्रेश आटा है, सूजी है जी, ये सूजी नहीं है, ये तो मैं आपको दलिया दे रहा हूँ, एक आपके लिए है, रख लो, गालब चक्की फ्रेश आटा से एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए गालब चक्की फ्रेश आटा से, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है गालब चक्की फ्रेश आटा से, आपके लिए है, एक आपके लिए गालब चक्की फ्रेश आटा से, एक आपके लिए, एक आपके लिए। रीडास शूज से, आप स्पोर्ट्स शू पहनते हो? पहनते हो, रीडास के पहने हैं? नहीं पहने, अब लेकर आना, बच्चों के भी एक से एक आते हैं, एक आपके लिए रीडास शूज से, आपके लिए भी है बेटे, रखते जाओ, आपके लिए, आपके लिए है, एक आपके लिए रीडास शूज से, एक आपके लिए, पकड़ते जाओ, आपके लिए, आपके लिए, आपने पहने रीडास के शूज, अब देख कर आना, एक आपके लिए भी है रीडास शूज से, आपके लिए, और एक आपके लिए, एक एक और है कृष्णा डिजिटल, एक एक आपके लिए कृष्णा डिजिटल नया बाजार, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है बेटे, आपके लिए कृष्णा डिजिटल से है, एक आपके लिए है, एक आपके लिए बेटे, एक आपके लिए भी है कृष्णा डिजिटल से, पकड़ते जाओ, आपके लिए, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है बेटे, एक आपके लिए, जोर से बोलो, कौन सा? भोगराज नमकीन, एक एक आपके लिए और है, कहाँ पर है ये? हजीरा इंटक के सामने, एक एक आपके लिए, एक ठाटीपुर, अरे यार आपके तो गिरने लगे, पकड़ लो, मैं भी आपको देता हूँ कैरी बैग, आपके लिए है, एक आपके लिए भी है भोगराज नमकीन से, आपके लिए है, अरे यार गिरने लगे, पकड़ लेंगे, एक आपके लिए भी है भोगराज नमकीन से, आपके लिए भी बेटे भोगराज नमकीन, एक आपके लिए पिंटो पार्क ठाटीपुर पुरानी बसंत टॉकेज और हजीरा इंटक के सामने, एक आपके लिए इंडक्शन कुकर, एक बार खरीदो, पांच बार जीतो, ना खरीदो स्मार्ट गाड़ियों की स्मार्ट पसंद, गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से पकड़ते जाओ, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए बेटे गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, रख लो यार मैं आपके काम की चीज दे रहा हूँ आपका, हाँ मुंह में पकड़ लो, मैं भी रखवाता हूँ, ये ठीक है अब, है ना यार, तुम तो झुक गए, इतना कहाँ दिया है मैंने कि, एक आपके लिए बेटे गोल्डन लाइफ से, आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ से, पर्स नहीं मिला इसको, एक आपके लिए है गोल्डन लाइफ से, एक आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ से, जो बच्चे बेटर करते हैं मैं उनको देता हूँ, जो बच्चे ज्यादा अच्छा करते हैं उन्हें ज्यादा गिफ्ट देता हूँ, हमने देखा था, हमने श्री डिजिटल पे, एक आपके लिए भी बेटे गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, और इस बार गोल्डन लाइफ में कितनी मोटरसाइकिल है? एक नहीं है, दो, कितनी है? दो मोटरसाइकिल, एक आपके लिए गोल्डन लाइफ से, आपके लिए भी है, आपके लिए भी रखो बेटे, एक एक और विशाल विंडो कूलर, विशाल अलमारी, विशाल विंडो कूलर से है, विशाल अलमारी, ये सिम्फनी कूलर से है, और आपके लिए स्लिप बेल मैट्रेस छती नंबर एक, सिम्फनी स्लिप बेल मैट्रेस छती नंबर एक से, सिम्फनी छती नंबर एक, ये स्लिप बेल मैट्रेस से है, सिम्फनी से है आपके लिए, सिम्फनी कूलर से, और ये स्लिप बेल मैट्रेस से आपके लिए, अग्रवाल फोटो फ्रेम से, एक एक आपके लिए, और एक आपके लिए बेटे, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए बेटे रख लो, अरे यार एक आपके लिए है, आपके लिए भी है, रख लो अग्रवाल फोटो फ्रेम से, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है अग्रवाल फोटो फ्रेम से, एक आपके लिए, आपके लिए भी है, और एक आपके लिए, आपके लिए मैं दे रहा हूँ, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन, ये कहाँ खोला है अभी नया? मुरार गरम सड़क, मुरार गरम सड़क, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के ठीक सामने, कितने मंजिल का शोरूम है ये? तीन मंजिल का शोरूम, अलग अलग पोर्शन में, उनकी ओर से ही आपके लिए इंस्टॉल रख लो आप, ठीक है ना, आप सबके लिए रख लो, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, एक आपके लिए बेटे, आपके लिए रखो, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए और है, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन, एक आपके लिए है, आपके लिए भी बेटे रखो, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है, रखो
एक आपके लिए बेटे बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, एक आपके लिए भी है बेटे। ये मैं पुनः बता दूं, छोटे छोटे बच्चे जो इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, छती नंबर 2 पर 1 बजे तक आ जाइए, वहां से मैं बच्चों को अपने साथ लाता हूं। और हाँ, सिटी केबल पे ये प्रोग्राम चालू है 96 नंबर चैनल पे। चलते हैं यहाँ से सीधे गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर शोरूम के अंदर। कैसा रिस्पॉन्स? काफी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी शुरुआती दिनों में ही इसमें मेलों के अंदर भी एक मेला लगा हुआ है जो गोल्डन लाइफ के पवेलियन पे है। तो आप तो जल्दी से आइए, और काफी अच्छी रेंज है इंडक्शन की, यानी 2090A मॉडल है जो काफी बिक रहा है, स्लिम सेट है और टच स्क्रीन में है, बहुत शानदार मॉडल है। कौन सा वाला है ये मैं बताना चाहूंगा, ये वाला मॉडल है 2090A मॉडल है। अच्छा। काफी शानदार मॉडल है। एक मॉडल के बारे में और बताना चाहता हूँ जो 2010 का है, इसमें एक शानदार पैकेज दिया जा रहा है। जो पैकेज है आपका 3250 रुपए का इंडक्शन कुकर है, साथ में 1650 रुपए का प्रेशर कुकर के साथ में। कौन सा वाला है ये? रहता है आपका 2010A मॉडल, 2010A मॉडल है। इसमें आपका 3250 रुपए का इंडक्शन कुकर है, साथ में 1650 रुपए का प्रेशर कुकर और 850 रुपए के बर्तन है। टोटल 5750 रुपए का होता है। कंपनी ने आपको 2 से 2500 का स्पेशल डिस्काउंट दिया है, मात्र 3750 रुपए में आपको पूरा इंडक्शन का पूरा पैकेज मिला है, बर्तन और कुकर के साथ में, कुकर और साथ में 5 पीस का बर्तन का सेट है। 5 पीस का बर्तन, ये कुछ दिनों के लिए स्कीम है या कंटिन्यू चल रही है? नहीं, ये संडे तक स्कीम है, सिर्फ केवल संडे तक है, ये इतवार तक स्कीम दी गई है आपका, संडे तक है। यानी स्कीम तो अच्छी है, मतलब देखिए, अगर आप प्रेशर कुकर अलग से लेते हैं तो कितने का है प्रेशर कुकर अलग से? 1650 रुपए कीमत का है वो भी बच रहा है, और साथ में अगर आप बर्तन लेते हैं इंडक्शन के तो बर्तन भी आपको कॉस्टली मिलते हैं, और इसके साथ में वो स्कीम सही, एक बार खरीदो पांच बार जीतो, ना खरीदो फिर भी पांच बार जीतो। जो फर्स्ट ड्रॉ है इसमें आपको शानदार आपको डीवीडी प्लेयर तो मिलता ही है, दूसरे में 10,000 का कैश अवार्ड है, तीसरे में गोवा ट्रिप रहती है जो 3 रात 4 दिनों के लिए है, बाकी बजाज पल्सर बाइक जो स्मार्ट दिलों की धड़कन है, 1,00,000 रुपए कीमत की बाइक रखी गई है। लास्ट में मेगा ड्रो है सिंगापुर थाईलैंड मलेशिया ट्रिप का, जो 6 रात 7 दिनों के लिए है, 6 रात 7 दिन के लिए है। बाकी सभी लोग तो ये परचेस पे तो उपहार पा ही रहे हैं, और जो परचेस नहीं कर रहे खाली विजिट ही कर रहे हैं। आप एक मेरे को दिखा सकते हैं? जी जी, मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ, खाली विजिट करने पे ही ये एक कस्टमर हैं आपके सुभाष अग्रवाल, ये सर इन्होंने विजिट किया था, नॉर्मल विजिट किया था, और विजिट करने पे ही इनका कूपन निकला जो 2,000 रुपए का ट्रॉली बैग जीत के गए। यहाँ से फ्री में ही ले गए? फ्री में ले गए। आप भी फ्री में ले जा सकते हैं भाई, इनके केवल इतना करना है ना, इनके शोरूम में आइए, इनके प्रोडक्ट देखिए, पसंद आता है तो खरीदिए। और 5 साल की गारंटी हर इंडक्शन कुकर पे है, 5 ईयर वारंटी है हर इंडक्शन पे आपको मिलेगा, वारंटी हर इंडक्शन पे 5 ईयर है, और मुझे लगता है शायद कहीं और किसी इंडक्शन कुकर पे इतनी लंबी वारंटी नहीं है। साथ में सर्विस सेंटर खुद का, यानी स्मार्ट घेणियों की स्मार्ट पसंद, गोल्डन लाइफ 12 सालों का विश्वास गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर। ये ग्वालियर व्यापार मेले में छती नंबर 3 और कश्मीरी गेट के बिल्कुल बीच में है, गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर, यानी 12 सालों का विश्वास। चलते हैं यहाँ से सीधे अब अग्रवाल फोटो फ्रेम शोरूम के अंदर। दोस्तों, छतरी नंबर 3 और कश्मीरी गेट के बिल्कुल बीच में अग्रवाल फोटो फ्रेम शोरूम्स के अंदर का नजारा जो अभी आप अपने टीवी पर देख रहे हैं, एक से एक शीनरियों का यहाँ पे कलेक्शन, साथ में ये दौड़ते हुए घोड़े बड़े यहाँ पर यूनिक है, ये दौड़ते हुए घोड़ों की तो इनके यहाँ बहुत सारी यहाँ फ्रेम मिल जाएंगी, बोला जाता है दौड़ते हुए घोड़े अगर आप घर में लगाते हैं तो आपकी तरक्की का सूचक होते हैं। साथ में गजानन सरकार की यह बहुत शानदार ये तस्वीर है, नीचे गांव की भी बहुत सारी शानदार सी ये तस्वीर है। ये होटल्स में अक्सर आपने देखी होंगी आप, लेकिन यहाँ अभी इनके यहाँ उपलब्ध है, एक से एक यहाँ पे शिंडिया, यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिंडिया, साथ में साई बाबा, बहुत शानदार एक से एक यहाँ पे शिंडिया मौजूद। अग्रवाल जी, पूछूंगा कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? अच्छा आ रहा है, लोग शानदार आ रहा है, बिल्कुल शानदार आ रहा है। 25% जो डिस्काउंट है उसका फायदा बिल्कुल ग्राहकों को दे रहे हैं, हम जरूर दे रहे हैं, और लोग आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, कुछ देख के भी जा रहे हैं अभी जो लास्ट में, या कुछ मन बना के लेते हैं जो, और साथ में वास्तु के हिसाब से जो, जैसे दौड़ते हुए घोड़े, पहाड़, बहता हुआ पानी, इस तरह की सीनियाँ भी अपने पास उपलब्ध हैं, जैसी ग्राहक चाह रहा है उसके हिसाब से उपलब्ध भी करा देते हैं। बहुत सी चीज़ें देखिए ऐसी होती हैं कि हमारे जीवन में तरक्की का सूचक होती हैं। वास्तु के हिसाब से अगर आपको कोई परेशानी है, कौन सी तस्वीर आप घर में लगाएं वो आपको अच्छा और शुभ फल देना शुरू करे,
वो भी जानकारी आपको यहाँ पे ये गुप्ता जी जरूर प्रोवाइड करते हैं। साथ में वो 101 रुपए की मूर्ति कैसी चल रही है? वो तो साहब चमत्कारी मूर्ति है, आप लगा के देखिए। मैं तो कहूँगा किसी का कोई काम रुका पड़ा है कि कैसा भी आपका अटकन है, आप लगाइए, मन से भाव से लगाइए, आपको खुद लगे 7 दिन लगाने के बाद, हाँ कि इसके लगाने के बाद फ़र्क पड़ा तो रखिए, नहीं तो ये। और कहना चाहूँगा कि अगर लेना चाहते हैं तो आप मेले में जैसे आते हैं आप ले लीजिए, क्योंकि शाम तक वो मूर्ति बनने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो इस बार आई भी लिमिटेड ही हैं, तो जितना कुछ अधिक से अधिक लोगों को पहुंच जाए, और जो चाहते हैं परेशान है, कई बार पिछली बार कुछ बाहर के कस्टमर आए थे वो नहीं ले जा पाए, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आते हैं तो ले लें, पहले आओ पहले पाओ। जी जी जी। वास्तु दोष के अनुसार तो ये बताते ही है, साथ में अगर आपका धंधा रोजगार मंदा चल रहा है, टेंशन है या कोई और तकलीफ है या कोई बीमार है, तो एक मूर्ति ये देते हैं 101 रुपए की, 7 दिन की ये गारंटी लेते हैं। यंत्र भी है किसी का, जैसे पहले जिन लोगों ने पहले यंत्र नहीं आया था, यंत्र नहीं है, यंत्र चाहिए तो यंत्र भी मिल जाएगा, यंत्र भी इनके साथ में मौजूद है। अगर आप विश्वास करते हैं इन चीजों पर तो आइए यहाँ पर अग्रवाल फोटो फ्रेम पे और समझिए, महज 101 रुपए में 7 दिन उसका असर देखिए, फायदा नहीं होता है तो अपने 101 रुपए ले जाइए इनकी, वो तस्वीर या मूर्ति है वो वापस दे जाइए, उसकी कोई जबरदस्ती नहीं है। 36 नंबर 3 कश्मीरी गेट के बिल्कुल बीच में गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर के ठीक सामने मिलेगा आपको अग्रवाल फोटो फ्रेम का ये शोरूम। लक्ष्मी कहाँ रहते हैं आप? दाल बाजार रहते हैं। क्या सुना रहे हैं? एक भजन सुना रहे हैं। भजन सुना रहे हैं, सुनाइए। बड़ी देर भई कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम, चलते चलते मेरे पग हारे आई ना जीवन की शाम, कब लोगे खबर मोरे राम। कहते हो तुम दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी गागर, कहते हो तुम दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी गागर। आपका 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 सांस, क्या नाम है आपका? यशी गुप्ता। कहाँ रहते हो? सिंधे की छावनी। सिंधे की छावनी, क्या सुना रहे हो? सॉन्ग सुना रहे हो। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं। कोई और गाना सुनाओ। तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके, रहे तेरे दिल में मगर। वेरी गुड, पढ़ ले अभी आप? हाँ। किस क्लास में? 12th। 12th में आप? कौन कौन सा सब्जेक्ट है? सर कॉमर्स। कॉमर्स है, वेरी गुड। कितने सालों से हो 12th में? सर एक ही साल से। एक ही साल से? किस सन में आए थे? सर 17 में। आप क्या हैं? 18। तो कितने हो गए? सर एक ही साल बोला तो मैं। कैसे हुआ? क्यों? आप आए किस सन में थे? कहाँ? आप 12th में किस सन में? 2017। अब क्या चल रहा है? 2018। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कितने साल हो गए? एक साल। अरे तो 17 और 18 कितने होते हैं? काउंट करना पड़ेगा। आप बताओ मेरे को 17 18 के कितने होते हैं? आप तो कॉमर्स लिया है। 35 होते हैं। तो 35 ईयर्स हो गए आपको? अरे नहीं सर, फन खुशी गुप्ता। खुशी गुप्ता। अच्छा, आप दोनों सिस्टर हैं क्या? कजन सिस्टर है। आप कहाँ रहते हो? विनयनगर। आप विनयनगर रहते हो और आप शिंदे की छावनी। आप क्या सुना रहे हो? गाना। कौन? हो सुन मेरे हम सफरे, क्या तुझे तेरी सी भी खबर, कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगी बस वही उम्र भर, रहूंगी बस वही। वेरी गुड, वेरी। क्या नाम है आपका? इनकी जैन। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? सिकंदर कंपू। सिकंदर कंपू, क्या सुना रहे हैं? हम बन्ना सुनाएंगे। बन्ना? एक मिनट, मैंने नानी है। एक मिनट रुक जाओ, नानी के बच्चे इधर आ जा। आप भाभी जी आप आगे आइए। ये आप गोल्ड का ही पहने हुए हैं चैन? नहीं, गोल्ड की नहीं है। गोल्ड का नहीं पहने तो अच्छी बात है। वैसे मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जो महिलाएं
शादी वगैरह में जाती है ना भाभी जी तो ज्वेलरी पहनी है, ये नकली है, कोई बात नहीं है। जो लोग असली पहन के जाते हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो उसको कवर करके जाइए, ऐसा ना हो आपकी चेन कोई ले जाए और आपका चेन साथ में चला जाए, फिर आप बाद में कंप्लेंट उसकी डालेंगे, लेकिन अटेंडमली तो आपका लॉस हो ही जाएगा ना। तो रोड पे दिखावा मत करिए। अगर आप देखिए अच्छे घर से हैं तो आपको ये गोल्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, गोल्ड दिखा के ही आप अच्छे सड़क पे महसूस नहीं किए जाएंगे, पहचाने नहीं जाएंगे। गोल्ड को अंदर रख के भी हाँ लोग पहचान जाएंगे, संपन्न घर से हैं। तो पुलिस को भी थोड़ा सा आराम दीजिए, गुंडे बदमाशों को आराम दीजिए, चैन। और सूनी गली में अगर आप जा रहे हैं तो अपने आसपास कवरिंग करते हुए चलिए, कोई अगर आपको कवर कर रहा है तो उस पर बिल्कुल निगाह रखिए और देखिए अगर कोई आ रहा है तो फिर उसका साथ लेते हो सूनी गली को पार करें, ठीक बात है ना। चलिए क्या सुनाएंगे, बरना नानी, नानी हमारी नानी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्यों भाई साहब? अभी शादी हुई है उनकी, 6 महीने पहले तेरी नानी हो गई, तभी तो नानी है, 6 महीने हुई है, 6 महीने पहले, तभी तो नानी हमारी है, स्मॉल नानी, लिटिल नानी। ये आपका देवता है? हाँ। देवता है ये आपका? ये सच्ची में नानी है आप इसकी? हाँ हाँ नानी, हाँ नानी है। विद्या रानी कसम खाओ आप इसकी नानी हो? नहीं। आप देखो मैं दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों से, चाची नानी मेरी मिल गई, अब नहीं बोलूंगा कसम से, अब नहीं बोलूंगा। हाँ। मैं बोल रहा हूँ, आप चाची अगर शब्द आया तो पक्का चाची, आपने आगे का नहीं बोला ना, आया तो मैं समझ जाऊँ, अब बताओ आगे क्या बोलोगे आप? मैंने बनाई दाल बाटी अकेला जिया, मैंने बनाई दाल बाटी अकेला जिया, सास भी राजी ससुरा भी राजी, सास भी राजी ससुरा भी राजी, सैया से हो गई नाराजी अकेला जिया, मैंने बना दाल बाटी अकेला जिया, जेठ भी राजी जितनी भी राजी, सैया से हो गई नाराजी अकेला जिया, मैंने बनाई दाल बाटी अकेला जिया। उसमें भी सैया नाराज हो गए। चलिए वेरी गुड। मैं भी आपको, वैसे कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं सर। 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी है? शादी हो चुकी है आपकी? नहीं शादी नहीं हुई अभी आपकी, आप बोल ही रहे हैं। चलिए वेरी गुड। हाँ जी क्या नाम है? मीरा तरेटिया। मीरा तरेटिया। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? ठाटीपुर नेहरू कॉलोनी। ठाटीपुर में रहते हैं। क्या सुना रहे हैं आप? मैं तो भजन सुनाऊंगी। भजन भजन सुना दो, लेकिन थोड़ा सा ये आसपास आवाज आए, अब मैं जोर से तो गा नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं। सामने मेरी खबरिया आज तक लीनी नहीं, मौन ने मेरी खबरिया आज तक लीनी नहीं, फिर सुना जा बांसुरी मथुरा चले जाने के बाद, फिर सुना जा बांसुरी मथुरा चले जाने के बाद, एक मन में ऐसी आवे श्याम को पाती लिखूं, एक मन में ऐसी। वैसे अब तो बहू आ गई होंगी आपकी? हाँ दो बहू। तो उसने बेकार है शादी? दो बहू हैं। तो मतलब शादी तो हो ही गई होगी? दो बहू दो नहीं बेकार है मतलब, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। प्रोग्राम देख रहे हैं घर पे आप? हाँ देख रहे हैं। कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है, जब मैं आपको माँ गुलंबर से यहाँ तक आई। चलिए वेरी गुड। मैं भी आपको गिफ्ट देता हूँ। क्या नाम है आपका? कविता। क्या सुना रहे हैं आप? गाना। शायरी? गाना। गाना, गाने तो मैंने ले लिए। क्या नाम है? लोगेंद्र। लोगेंद्र। जोगेंद्र नाम है आपका? लोगेंद्र। क्या सुनाओगे सर? रैप दूंगा। रैप सुनाओगे? रैप सुनाओगे आप? यस। सुनाओ जरा। अब अपनी के तारीफ करूं, ऊपर वाले से मैं डरूं, जे कोई दे ये कोई जन। डायलॉग की तरह नहीं, रैप सुनाओ। रैप ढंग से सुना, ढंग से। हाँ सुना रहा हूँ सर, सुना रहा हूँ सर, ढंग से सुनाओ। रैप जो होता है उसको ढंग से सुनाओ। अब अपनी के तारीफ करूं, ऊपर वाले से मैं डरूं, जे कोई बन दन लैंड लॉन्ड और मार घुंदर नीचे मैं डरूं, हमारे आड़ा के इकलौते
और बोल के अपनी बहन बोन और अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हुई ये सबका करता धरता, दिल का हूँ थोड़ा रंगीन पर भैंस के आगे ना बजाता बीन, मुझको जो तू आ गई पसंद, कम ऑन बेबी डोंट बी मी, आ जा तन्ने सैर करा दूं ऊंची हूँ। वेरी गुड, वैसे मैं ट्राई कर रहा था तुम गा सकती हो कि नहीं रैप। यस नहीं गा तो सकता है वैसे ये। मछली जल के राने जीवन का क्या है, कौन सुनाता है दोबारा सुना हर बार तो मिलती है अपन मेले में। नहीं मैं दोबारा गा सकते हो आप? नहीं हाँ सुना सकता हूँ, गा सकते हो क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था या मैंने इसलिए कैमरा मैन को पहले इशारा किया था। वैसे अच्छा बंद चालू कराऊ? ओके दोबारा चालू करा। यस सर रिकॉर्डिंग गोलपाड़िया गोलपाड़िया मैं भी आप। हाँ जी नाम? सुधांशु शर्मा। सुधांशु शर्मा। शर्मा कहाँ रहते हो सुधांशु? जनकगंज। तुम तो बहुत छोटे से थे अब से हमारे कार्यक्रम में आ रहे हो। जी जी चार साल उम्र थी जी मेरी, कुछ 13 साल उम्र थी। 13 साल अब कितनी है? 18। 18 जी तो मतलब 5 साल से कंटिन्यू आ ही रहे हो? 5 साल से मिमिक्री कर रहे हो जी। कितने हीरो हैं आज? 7-8 है। 7-8 अमरेशपुरी। ओए लाजो मेला आ गया मेला। इसको थोड़ा गले में बेस करके निकालो ना। ओए लाजो मेला आ गया मेला। ओए लाजो लाजो मेला आ गया मेला। गुड्डू भैया से मिल ले, मेला आ गया चिपरन बात गई। ओम ओम शामो शा शा। जे आ गया जे आ गया, वो चाची चाची करता था वो कहाँ गया? जे आ गया जो दिमाग से चाची चाची कर रहा है, जब से गुड्डू भैया आए जब से चाचा चाची चाची कर रहा है। अरे कहाँ है तेरी चाची? मर गए चाची बैग में तो दही तरह सर फोड़ दूंगा। अरे चाची कहाँ है? फोड़ दूंगा। चाची से मिलवा, चाची चाची से मिलवा, चाची से मिलवा, ये लगा के आ गया चाची से मिलवा। आज मैं मिलने आया हूँ तेरी चाची से, चाची से मिला। चाची को उड़ान दे दिया है। अच्छा समझा लो, चाची पे आग नहीं आना चाहिए इसकी। अरे क्या मत मान, तू मेरा दोस्त है। बैड मैन, चाची के बारे में मत बोलियो। चाची के बारे में आई मीन वाओ करीना कहाँ गए यार, ये दोनों मुझ पे चढ़ रहे हैं। वाओ आई मीन वाओ, तू क्या पेड़ों तेरे पे चढ़ेंगे पागल आदमी? पागल आदमी क्या यार, तुम ये लगा के आये, चश्मा लगा के आये, मैं तो तैयारी के साथ नहीं आ पाया। तुम मुझे बोल डाले हो नहीं सकता, मैं तुम्हें बोल डाले हो ना नहीं डोंगा। शराबी टॉप का नगर निगम कुत्ता गाड़ी पकड़वा दो उसको। आप घबराइए मती बेटा, साईं सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको ठीक हो जाएगा। जो आप दोनों मुझ पे चढ़ रहे हैं, मैं अभी चेक को बुला लूंगा। खुशी हुई बिरयानी बिना मुर्गे वाले। अरे भैया हेलो, क्या भाई क्या? आई एम डॉक्टर गुलाटी और पशु मेले से दो पेशेंट भाग गए हैं, आपने देखे क्या? चलो ठीक है ठीक है, ये जिंगा लाला जी। हाँ सर मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए। ओ भैया साहब, ये आप फिर किसी और को बुला रही है आपने? नहीं नहीं थोड़ी बुलाया है वो। ये बताओ हम तुम्हारे पास बगैर चेकअप कराए भगया है? अरे काय का चेकअप, मेरे मामा के लड़के चेकअप करना है आपका। काय का चेकअप करना है आपको? दिक्कत है क्यों क्या है? आज बिगड़ चेकअप करके भाग गया है? मैं आज मैं पागल है ये पागल है पागल है बहुत बहुत पागल है सर ये डॉक्टर। एक मिनट नहीं, मुझे चींटियों का डॉक्टर लग रहा है, ऑक्सीजन बहुत पागल है तू। एक चेकअप करो इनका तो जी। बांध निकालो, काय को निकालो, तुम्हारे पापा की है ये, बांध निकालो साहब। जी बाहर से क्या मतलब है ये, अगर दिल मेरे बांध निकालो पहले, काली पड़ रही है लाल करो उसको। अबे तुम पागल हो? अरे अरे कोई डॉक्टर डॉक्टर नहीं है मेरी। क्या ये पागल? मैं सुई नहीं लगवाऊंगा। बंद कर मुंह। मैं सुई नहीं लगवाऊंगा। सुई कहाँ है? सुई नहीं लगवाऊंगा। अरे तुम निपटो यार, मेरे को क्या मालूम ये कौन है ये? एक मिनट। मैं सुई नहीं लगवाऊंगा। अरे पागल चुप। सुई आ रहा था खाना पीने को, लग रहा है 203 बुखार लगा दो। बाबू बचा लो इसको, टैबलेट दो 302 की टैबलेट दो। एक मिनट एक मिनट रुक जाओ डॉक्टर। हाँ सर ये पागल है क्या? बात नहीं पागल है, हम भाग में लेके आए थे, पशु में भाग गए। यहाँ से इनको एक मिनट। चाची
कान में सुई कम लगाता है भाई, आकर कान में सुई लगा रहा है। जैसे डॉक्टर हो वैसे उनके पेशेंट ले आऊंगा यहाँ से। चलो कृष्णा शर्मा, कहाँ रहते हो? मुरार। मुरार किस जगह? मुरार में त्यागी नगर। त्यागी नगर डांस कर रहे हो? डांस। चलो मैं कवर करता हूँ। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आया जिंदगी में आना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। चलिए वेरी गुड। जिंदगी की राहों में बहुत से लोग मिलेंगे, हम क्या हमसे अच्छे भी हजार मिलेंगे। इन अच्छों की चाह में हमें मत भूल जाना, हम कहाँ आपको बार बार मिलेंगे। चांदनी को चांद पर गुरूर है क्योंकि उसके पास भी एक नूर है, हम किस पर गुरूर करें, हमारा चांदनी हमसे दूर है। वेरी गुड। और कोई? हम उनके लिए पैगाम लिखते हैं, साथ गुजारी बातें तमाम लिखते हैं, दीवानी हो जाती है वो कलम जिस कलम से आपका नाम लिखते हैं। वेरी गुड। और वो मिले हमें कहानी बनकर वो। कोई बात नहीं है, आपकी शादी हो गई है ना? कितने बच्चे हैं? दो। दो बच्चे हैं। कितने साल हो गए शादी को? चार साल। चार साल दो बच्चे। फुफिया ससुर के साले के लड़के को बुलाया था शादी में आपने? नहीं बुलाया। पता नहीं। नहीं फुफिया ससुर के साले के लड़के का आप आपको बुलाना था या उनको बुलाना था लड़के वालों को? जानते हो कौन है वो? नहीं जानते। कभी वो सामने आ जाएंगे तो उन्हें पहचानोगे आप? हस्बैंड होंगे हमारे। नहीं आप सोच लो, मुझे नहीं मालूम कौन होंगे। कभी सामने आ जाएंगे तो पहचान लोगे आप? पहचान लो। पक्का विद्या रानी के? सोच लो। फुफिया ससुर के साले के लड़के आप अगर सामने आ जाए तो आप पहचान लोगे? पहचान लेंगे। पक्का? रिलेशन में ही होगा। और रिलेशन में ही होगा कोई ना कोई, है ना? आगे अगर वो ये बोल दे अगर ऐसे हाथ डाल के चलो आज पिक्चर देखने चले तो जा सकते हो उनके साथ में? नहीं जा पाओगे, है ना? चलिए कोई बात नहीं, मैं भी आपको गिफ्ट देता हूँ। पहले आपके लिए MIS मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल से। कहाँ पे है ये स्कूल? आप प्रोग्राम देख रहे हैं ना? बताओगे तो मैं दूंगा बड़ा गिफ्ट। आप प्रोग्राम देख रहे हो ना मेरा? आते ही नहीं टीवी पे। टीवी पे आता नहीं है? दो दिन से आ नहीं रहा। नहीं डैन पे भी लोकल चैनल बंद हुए हैं। बंद हुए हैं। दो दिन पहले तो आ रहा था ना? नहीं आज सर हमने देखा नहीं। जब आपने देखा नहीं वो चीज अलग है। आपके केबल टीवी का कनेक्शन लगा है? कौन सा है? वीडियो कॉन। ये केबल टीवी होती है वीडियो कॉल? SR का। ये केबल टीवी में नहीं आता है और आपको आना भी नहीं चाहिए। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, ये केबल टीवी वालों का प्रोग्राम है। ये जो सेटअप बॉक्स जो DCB वाले हैं ना उनके लिए नहीं है। हाँ जो शहर से प्यार करते हैं वो केबल से प्यार करते हैं और जिन्हें शहर से प्यार ही नहीं है वो लगवाए अपनी छतरियाँ। आपको लोकल मिलता है क्या वीडियो कॉल वगैरह में? लोकल चैनल मिलते हैं? नहीं मिलते। सीधी बात है, रखिए शुभरी लिंक रोड पे है। अब आपको ये सारी जानकारी है वो कैसे दे देंगे? एक आपके लिए है। कहाँ पर है ये? शुभरी लिंक रोड। हाँ 10th तक है CBSE। एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी। आप इसलिए ज्यादा अच्छा कर नहीं पाए, अगर आप देखोगे ना केबल पे तो आएगा। मैं तो बराबर चैनल आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप एक ही चीज पर बहस कर रहे हैं। लोकल चैनल दिल्ली से बंद हुए, कल से आओ मेला चले चालू हो जाएगा। अच्छा एक आपके लिए MIS से। अब आपने मेरी गलती थोड़ी है, मेरा प्रोग्राम 12 से चालू हुआ है। अब आपने पहले नहीं देखा, कल से लोकल चैनल उनके दिल्ली से बंद हुए हैं, आप कह रहे हो नहीं देखा, तो मेरी गलती थोड़ी है। आप तो देख रहे हैं? मैंने तो कल से ही देखा। देखो आप, एक आपके लिए रखिए। देखो आप, आपके लिए है MIS से। आप देख रहे हो प्रोग्राम? सर नहीं देखा। इस साल नहीं देखा? डिस्क नहीं लगी सर हमारे। अच्छा आपके डिस्क नहीं लगी, ये चक्कर है। एक आपके लिए, तो आपको आना भी नहीं चाहिए। एक आपके लिए MIS से है। आप तो देख रहे हो 866 हेडवे। देखो आप, देख रहे हो? यस देख रहे हो। YouTube पे भी देखता हूँ। YouTube पे भी देख रहे हैं। एक आपके लिए रख लो MIS से। एक आपके लिए MIS मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल। कौन सा स्कूल है ये? MIS मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल। अब 10th तक हो गया है। हॉर्स राइडिंग है, बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है और सीप्लेरिंग रोड पे है ये। वेल फर्नीचर है, वेल सब कुछ है और काफी अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पे। CBSE हो चुका है और 10th क्लास तक। डीजी क्लासेस भी है। हाँ बिल्कुल, सिंगिंग भी सिखाई जाती है, अदर्स एक्टिविटीज भी कराई जाती है। लगभग 7 acres में 7 बीघा में बना हुआ है। सारे कोर्सेज इसमें। एक आपके लिए MIS से है मेरे पास, ये ताजमहल पोहा। आपने यूज किया? यूज तो नहीं किया, सुना बहुत है इसके बारे में। सुना बहुत है। अरे आप इस्तेमाल करके देखना। एक आपके लिए दे रहा हूँ ताजमहल पोहा से। एक आपके लिए
आपके लिए है, एक आपके लिए भी है ताजमहल पोहा से। जब आपके डिस्क नहीं लगी तो आपको कैसे मालूम इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं? सर अगले साल देखा था सर, अगले साल देखा था सर। अच्छा अगले साल देखा था 2019 में? नहीं 17 में, 17 में। तो अगले साल तो 19 आएगी। एक आपके लिए रख लो ताजमहल पोहा से, आपने इस्तेमाल किया है पोहा? नहीं मैंने नहीं लिया, मेरे यहाँ तो बच्चे खुले ले आते हैं, मुझे खुले ले आते हैं ना। आपको बताऊँ खुले में क्या होता है, किसी भी किराना शॉप पे खुला रखा रहता है, कभी भी चूहे निकलते हैं ऊपर से, समझ रहे ना, जो काम हमें गेट बंद करके करना पड़ता है, चूहे कभी 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 खुले में ही। अब आप समझ रहे ना, बता दी तो पैकिंग ही लेंगे नहीं, हमको भी नहीं मालूम। मैं वही बोल रहा हूँ, खुले में तो वही होता है, चूहे मारा ही निकल जाता है, धीरे से उन्होंने अपना जो काम करना है किया और निकल लिया, पूरा पोहा भी वो सोख लेता है, उसके बाद हो सकता है खुले में, इसलिए बोल रहा हूँ। आप ताजमहल लेके आते हैं, बच्चों को बताना पड़ेगा। आप तो जाती नहीं ताजमहल पोहा से, आपने मंगाया कभी ताजमहल? नहीं। एक आपके लिए भी है ताजमहल से, आपके लिए रख लो ताजमहल पोहा से। एक आपके लिए भी है ताजमहल पोहा से, आपने इस्तेमाल किया है? नहीं नहीं किया। एक आपके लिए बाजार में हर जगह मिलता है, ये हरी बाबू पोहा वाले है ना दाल बिहार में, उनका ये मैन स्टॉकिस्ट है, और किसी शॉपकीपर को चाहिए तो वहाँ से वो मंगा सकते हैं। कविता सोनी जी की ओर से एक एक आपके लिए और है, एक आपके लिए, आपके लिए भी है। ओस बुटीक कविता सोनी जी की तरफ से रखते जाइए, एक आपके लिए। कहाँ पर है ओस बुटीक? राम मंदिर चौराहा। राम मंदिर चौराहा ओस बुटीक। और इनके यहाँ बच्चों के फैंसी ड्रेस की सभी फैंसी ड्रेस के सभी आइटम मिल जाते हैं किराए पे। बिल्कुल, एक आपके लिए है। टाटा खासियत आपको मालूम है, जल्दी जो बताएगा मैं उसके बाद रुक जाऊंगा। हाँ खाते हैं। खाते तो है, खासियत क्या जल्दी से बताइए। बढ़िया है, अच्छी रोटी बनती है, नरम रहती है, ठंडी होने के बाद भी अच्छी लगती है। वेरी गुड। इसके अलावा पूछ के आप नहीं बता पाओगे? नहीं सर, पूछ नहीं, आप देखोगे तो आपको पता लगेगा ना। कल आप चक्की प्रेस आटाई खासियत, अच्छी रोटी बनती है, सॉफ्ट होती है। बच्चे में छतरी पे बताया था क्या? नहीं। इस्तेमाल किया है? हाँ। अच्छा बताइए। ये मुलायम बनती है और सरबती गेहूँ की बनती है, और ये हर शॉप पे मिलती है। और बताइए। नहीं मेरे यहाँ तो आता है गालब, बहुत अच्छी रोटी बनती है, जैसे ताजी उतर के आती है, इतनी सॉफ्ट रहती है कि बच्चे भी तोड़ लेते हैं उसको, इतनी मुलायम रोटी दो घंटे बाद भी खाओ तो सॉफ्ट रहती है। इसमें और है क्या क्या? इसमें दो तीन चीजें मिली है लेकिन मुझे नाम याद नहीं है। फाइबर है। हाँ है ना। और जो बच्चे खाना नहीं खाते है ना वो भी खाते हैं उनको। ये आपने महसूस? ये मेरे बच्चे अभी कह रहे हैं ना मम्मी अपने जैसा है दादी खाना। हाँ तो मतलब जो बच्चे नहीं खाते खाना वो भी खाते हैं उनको। पक्का एकदम? पक्का एकदम। झूठ तो नहीं कह रहा? झूठ नहीं कह रही। मेरे बच्चे लाते हैं, मुझे पता है, इससे पूछ लो। ये खड़ा है आपके लिए रख लो, गालब चक्की प्रेस आटा से। एक मैंने खाना की है मेरे घर में गालब चक्की। एक आपके लिए है गालब से, एक आपके लिए है, एक आपके लिए मैदा है, एक आपके लिए भी है मैदा। गालब का बेसन इस्तेमाल किया है आपने? नहीं किया? नहीं किया। आटा हमने मंगाया है। नहीं नहीं, बेसन गालब का इस्तेमाल किया है? अभी नहीं, अभी नहीं किया, इस्तेमाल करने को दे रहा हूँ। जैसे आटा पसंद आया है वैसे बेसन भी पसंद आएगा। एक आपके लिए, आपके लिए भी है, एक आपके लिए गालब का मैदा है, एक आपके लिए भी। इसमें भटूरे बहुत शानदार बनते हैं, मैदा से रिलेटिव जो भी चीज होती है। आपने इस्तेमाल किया है? सर घर पे शॉप है मेरी। शॉप है? शॉप है आपकी? गालब की शॉप है आपकी? नहीं सर, रिटेल शॉप। अच्छा तो वहाँ से आप बेचते हैं? जी सर। अच्छा वेरी गुड। बताओ जल्दी से। नहीं सर। भोगरा नमकीन अभी हम क्या कह रहे हैं बताना पड़ेगा। अजीरा इंडेक्स के सामने। अजीरा इंडेक्स। और कहाँ पे? काटीपुर। हाँ काटीपुर पे एंड करना है ब्रांच। अभी छतरी नंबर एक आपके लिए है। छतरी नंबर नहीं है, मेले में नहीं है। एक आपके लिए है। वैसे मैंने बहुत जल्दी ये प्रश्नोत्तरी चालू कर दी है क्योंकि मैं हमेशा 10 दिन के बाद चालू करता हूँ, आज मैंने चौथे ही दिन चालू कर दिया, चौथे दिन का प्रोग्राम है, ठीक है ना। हजीरा इंटक के सामने ठाटेपुर और पिंटो पार्क। एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है, आपके लिए है, एक आपके लिए है, एक आपके लिए मेरे पास आप सबके लिए है। पद्मश्री चाय से एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए है पद्मश्री चाय से। कहाँ मिलती है ये? मतलब कई दुकान पे मिलती है। हर दुकान पे आपने इस्तेमाल की है? अच्छी है बड़ी। कैसी है? अच्छी है। सच्ची में? सस्ती भी है जी चाय। सस्ती भी है और अच्छी भी है। 250 ग्राम में चम्मच आती है। चम्मच आती है। एक आपके लिए है, आपके लिए भी है, एक आपके लिए है। कौन सी कंपनी है? पद्मश्री चाय। RIT कंपनी की। नया बाजार। 150 तरीके की चाय तो वहाँ उनके शॉप पे मिलती है। एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है, एक एक और है मेरे पास आपके लिए है। भागीरथ प्लाजा, भागीरथ प्लाजा छती नंबर 8 से एक आपके लिए, आपके लिए, एक आपके लिए है, आपके लिए भी भागीरथ प्लाजा से एक आपके लिए पद्म, अरे जिगर में लगी, पद्मश्री चाय से एक आपके लिए है, एक एक और है। रीडा शूज से एक एक और आपके लिए।
एक आपके लिए है रिडास शूज, शिल्पी फुटवेयर, एक आपके लिए। आप स्पोर्ट्स शूज पहनते हो? हाँ। रिडास के पहने आपने कभी? नहीं नहीं पहने। अब आप ट्राई करके देखिए, ठीक है? आपके लिए एक आपके लिए है रिडास से, आपके लिए, आपके लिए भी है रिडास से। पहने भैया रिडास के? हाँ, पहने। कैसे निकलते हैं? रापची की है जकास? जकास, जकास। एक आपके लिए, एक आपके लिए। विंडो कूलर जिंसी नाला नंबर एक पे है, नंबर एक पर हरिप्रिया कॉम्प्लेक्स, हरिप्रिया कॉम्प्लेक्स है। छठी नंबर एक पर, एक पे लाइफ टाइम सर्विस फ्री है। और वेरी गुड, एक आपके लिए, आपके लिए विशाल विंडो कूलर से है, रखिए। आपके लिए है एक, आपके लिए विशाल विंडो कूलर से, आपके लिए एक, आपके लिए। स्मार्ट पर्सन गोल्डन लाइफ, गोल्डन लाइफ, जोर से बोलो गोल्डन लाइफ, गोल्डन। कितने सालों का विश्वास? 12 हो गए आपको? 12 सालों का विश्वास। एक आपके लिए है गोल्डन लाइफ से, आपके लिए भी है, रखो। एक आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए गोल्डन लाइफ से, आपके लिए भी है, आपके लिए भी है, जिसने झोले में रखे उसके कटे। एक आपके लिए, एक आपके लिए गोल्डन लाइफ से, एक आपके लिए, एक आपके लिए और है, एक एक और है मेरे पास। ये बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन। कहाँ रहते हैं आप? डाल बाजार। डाल बाजार रहते हैं, मुरार में खुला हुआ है, गर्म सड़क के पास। ये आप टीवी पर भी सुन रहे होंगे अभी नया। हाँ, एक्सक्लूसिव एकदम शोरूम है। एक आपके लिए है, आपके लिए भी है, आपके लिए है। बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन आपके मुरार में गरम सड़क पे खुला हुआ है ये। हाँ। और पूरा फैमिली शोरूम है, बारादरी पे है, गरम सड़क बारादरी, बिल्कुल लक्ष्मी माई के ठीक सामने। आप एक बार देख कर आना, मैं पक्का बता रहा हूँ, सही जगह का एड्रेस दे रहा हूँ एकदम। एक आपके लिए, देख कर आए हो आप? हाँ, मैं वही रहता हूँ, वही रहता हूँ। बाहर से अंदर भी जाके देखा मैंने, कपड़े भी खरीदे हैं। कैसा है इनकी शोरूम? बहुत ही मतलब अंदर से भी लग्जरी जैसे ही बने हुए होते हैं, और इन पर ड्रेसें भी बहुत अच्छी मिलती हैं, है ना? कलेक्शन बहुत ज्यादा, कलेक्शन बहुत अच्छा है, रीजनेबल है ना? फिक्स प्राइस। एक आपके लिए है, और एक आपके लिए भी, एक और मैं दे देता हूँ आप सबके लिए, मीठा महाराजा पोहा से। एक एक आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट, और आपके लिए एक, आपके लिए भी है। अरे आपके गिरने लगे, कोई बात नहीं है। एक आपके लिए, आपके लिए, एक आपके लिए, और एक आपके। क्या नाम है? आशा देवी शर्मा। एक आपके लिए रख लो, पद्मश्री चाय से। क्या नाम है बेटे आपका? देवांश। एक आपके लिए रख लो, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से है, एक आपके लिए। क्या नाम है आपका? नीतू। एक आपके लिए रख लो, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, एक आपके लिए उपहार है। क्या नाम है आपका? सोनाली। कहाँ रहते हैं? मुरार। आपके लिए रख लो, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से। क्या नाम है आंटी? गायत्री। एक आपके लिए रख लो, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से। आप बहुत देर से खड़े हुए थे, क्या नाम है? पूजा। एक आपके लिए रख लो, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से। नाम? कमलेश। एक आपके लिए भी रख लो, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, एक आपके लिए। चलते हैं यहाँ से सीधे बॉम्बे नोवेल्टी गिफ्ट पहले छती नंबर 10 पर। गीत लिखा था निदा फाजली ने और संगीत सजोया था उषा खन्ना ने। फिल्म का नाम, ये आइटम आपको यहाँ पे मिलेगा बॉम्बे नोवेल्टी गिफ्ट पैलेस, बलवीर भाई की शॉप पे। बलवीर भाई, कुछ ना कुछ नया लाते हो, नया कुछ ना कुछ लाते हो, बहुत शानदार। कितने गाने इसके अंदर है? सर 5000 गाने लोड है इसमें। 5000 गाने, 5000 गाने लोड है इसमें। और कार सिस्टम है, पेंडा सिस्टम है, 1 साल की वारंटी है, ब्लूटूथ सिस्टम है। 1952 5 घंटे का, 5 घंटे 1952 से लेकर 2000 तक के सॉन्ग है। बहुत ही शानदार आवाज है, और जिस आर्टिस्ट को सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हो आप। ये एक सर माइक आया है, बहुत शानदार, ये बच्चों को बहुत लुभा रहा है, सबके लिए। इसमें कोई भी सॉन्ग गाना हो, गाना बजाना हो, बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। मतलब सेट करने के बाद इको इसमें गाने भी गा सकते हैं, बोल भी सकते हैं, वालों की तरह आवाज आ रही है तो। हेलो चैलेंज, मतलब गाने भी गा सकते हैं, कार्ड भी लगा लो, पेंडा भी लगा लो, और करा लो इसके अंदर कार्ड। बोलो हेलो चेक, हेलो टेस्टिंग। हमारे आदरणीय, हमारे आदरणीय नानक राम जी ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, हमारे आदरणीय हैं, उनसे आवाज मैच हो रही है, एक बार बोलो। जी हाँ, हेलो टेस्टिंग। सभी लोगों से निवेदन है, बहुत ही लाजवाब, बहुत शानदार आइटम है, ये बच्चों के लिए है। यहाँ से बच्चे, उनको ईको थोड़ा सा मिक्स तो जरूर मिलेगा इस माइक के अंदर। बलवीर भाई हैं ब्यूटी पार्लर की, इनकी बहुत बड़ी रेंज है यहाँ पर। मैं कहूँगा मैं आइटम टीवी पे इतने नहीं देखा पाता हूँ जितने बलवीर भाई क्या है। और साथ में बलवीर भाई गिफ्ट भी देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, बहुत अच्छे आइटम है। और साथ में बच्चों के लिए मोबाइल वाली वॉच भी है, ये मोबाइल वाली घड़ी, इसके अंदर मोबाइल वाली घड़ी है, बच्चों से रनिंग वगैरह सारी जानकारी मिलेगी, कितने बजे कहाँ गए क्या हुआ सारी जानकारी इसके अंदर, सारे फंक्शन है।
तो मैं कहूंगा अगर आप ग्वालियर के व्यापार मेला आ रहे हैं और बच्चे की खेल खिलौनों की दुनिया में अगर आप घूमना चाहते हैं तो आ जाइए यहाँ छती नंबर 10 पे। छती नंबर 10 पे ये है बॉम्बे नॉवल्टी बलवीर भाई की शॉप। वैसे इनकी डीडी मॉल में बेसमेंट में शॉप इसी नाम से है, लेकिन यहाँ छती नंबर 10 पे आपको जरूर मिल जाएगी। और हाँ, आ रहे तो अपने कार का MIS आओ मेला चलेगा नाम जरूर ले ले, क्योंकि आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। छती नंबर 10 बलवीर बॉम्बे नॉवल्टी गिफ्ट पैलेस। चलते हैं छती नंबर 1 सैमसंग शंकर। ये दोस्तों छतरी नंबर 1 पर आप देख रहे हैं सैमसंग शोरूम्स के अंदर रखे रेफ्रिजरेटर जो आपके टीवी पर दिखाई दे रहे हैं। वॉशिंग मशीन की एक बहुत बड़ी श्रृंखला यहाँ पे ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक के साथ यहाँ मौजूद है। मतलब ये शंकर सेल्स का ये सैमसंग का पंडाल जो अभी आप अपने टीवी पर दिखाई दे रहे हैं। साथ में यहाँ पे डबल डोर की एक बहुत बड़ी रेंज है। इसके साथ में LED यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। माइक्रोवेव ओवंस की एक यहाँ पर बहुत बड़ी श्रृंखला जो आपके अभी टीवी पर ये दिखाई दे रही है। साथ में एयर कंडीशनर संपूर्ण रेंज के साथ। सुभाष जी मैं पूछूंगा आपसे, शंकर सेल्स द्वारा सैमसंग का ये शोरूम है जी साहब, तो इस बार सैमसंग में अट्रैक्शन क्या है? सैमसंग में नए फीचर्स के AC है, 2 LED है, माइक्रोवेव है, सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन है, वाशिंग मशीन सारे नए लेटेस्ट मॉडल है। मतलब जो नई टेक्नोलॉजी आती है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड है सैमसंग। राइट, और यहाँ पे अगर कोई एक्सचेंज में अगर कोई एक्सचेंज फाइनेंस और आकर्षक उपहार सब कुछ फ्री है, और ये सारे ऑफर शंकर सेल जिंची लाला नंबर 1 पर भी उपलब्ध है। वहाँ आपका जो स्थानीय शोरूम है बहुत एक्सक्लूसिव शोरूम है, मैं तो सच्ची में देखकर आया हूँ, मैं यहाँ पे आपको इम्प्रेस नहीं कर रहा हूँ, और जितने लोग देखकर आए हैं वो समझ गए होंगे कि एक्सक्लूसिव शोरूम है, बहुत बड़ी वहाँ पर रेंज है, शहर का सबसे बड़ा शोरूम है उसको बोल सकता हूँ, इतने बड़े एरिए में है। तो यहाँ अगर कोई ऐसा अगर पुराना फ्रिज एक्सचेंज करना चाहता है हो जाएगा माइक्रोवेव करना चाहे, LED एक्सचेंज करना चाहे, AC एक्सचेंज करना चाहे, वॉशिंग मशीन एक्सचेंज कराना चाहे, सब पे एक्सचेंज सुविधा है और 0% फाइनेंस सुविधा है यहाँ पर। तो भाई दबे अगर किसी को कुछ चाहिए वो मेला नहीं आ पा रहा है तो ये सारी स्कीम्स आपकी शंकर सेल्स पर उपलब्ध है। शंकर सेल्स जिंसी नाला नंबर 1 जिंसी नाला नंबर 1 देखिए यहाँ पर अगर आप नहीं आ पा रहे हैं फैमिली के साथ, और फैमिली के साथ अगर आप लश्कर में शंकर सेल्स पे जाते हैं जिंसी नाला नंबर 1 पे तो सारी स्कीम्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की सैमसंग में जो नाम आता है वो सब कुछ, मोबाइल भी यहाँ नहीं, मोबाइल नहीं है। चलिए तो सब कुछ आपको वहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन ग्वालियर के व्यापार मेला में यहाँ आपको विस्तृत पंडाल फैला हुआ मिलेगा, वैरायटी मिलेगी यहाँ पर, बहुत सारी चॉइस मिलेगी, वहाँ भी है और यहाँ भी है। ये छती नंबर 1 पर शंकर सेल्स का सैमसंग का। आइए जब भी मेला आ रहे हैं तो छती नंबर 1 पर सैमसंग की इस गैलरी में शंकर सेल्स के साथ छती नंबर 1 पर। छती नंबर 1 स्लिप बेल मैट्रेस शोरूम्स के अंदर चलते हैं, और आज यहाँ पर शोरूम्स का उद्घाटन भी यहाँ किया गया है। तो आज मेरे साथ दोस्तों यहाँ पर स्लिप बेल मैट्रेस शोरूम्स का ओपनिंग यहाँ हुई है। राकेश जैन जी हैं, रोहित जैन जी हैं और मनीष अग्रवाल जी यहाँ स्पेशली आए हुए, ये लोग कंपनी से हैं, MP और पूरा UP देखते हैं। मैं ये कहूंगा कि स्लिप बेल ने ऐसा क्या कर दिया है जो दिलों में जगह बनाता जा रहा है। स्लिप बेल सबसे प्रथम स्लिप बेल में क्वालिटी पर विश्वास किया जाता है, जो भी मैट्रेस आप खरीदते हैं स्लिप बेल का उसमें 100% क्वालिटी एश्योरेंस होती है स्लिप बेल की तरफ से। हम विश्व की जितनी भी टेक्निक्स हैं स्लिप बेल में समायोजित करके यहाँ पर इंडिया में लाए हैं। स्लीप वेल भारत की सबसे अग्रणी कंपनी है और आज की तारीख में एशिया पैसिफिक में नंबर 1 स्थान पर आती है। यहाँ पे स्लीप वेल के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में प्लांट है, और इंडिया की सबसे पहली मैट्रेस की ट्रेड में मल्टीनेशनल कंपनी स्लीप वेल है। वेरी गुड राकेश जी, क्या जादू है आपके पास कि MP और UP में आप 1 नंबर बन गए? हमारे गद्दों में, हमारी कंपनी ये दावा करती है कि हमारे गद्दों में माँ जैसा आराम मिलता है। माँ जैसा आराम का मतलब है कि जब बच्चा माँ की गोद में सोता है तो वो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, और उसकी चिंता जो है और उसको बहुत अच्छी नींद आती है। इसी प्रकार से हमारी कंपनी ये दावा करती है कि हमारे गद्दों पर आपको ऐसा आराम मिलेगा जितना कि एक बच्चे को माँ की गोद में आराम मिलता है, और आप अपनी समस्त चिंताओं से मुक्त होकर एक
एक अच्छी नींद का आनंद अनुभव कर पाएंगे। यही हमारी विशेषता है जिसको हम पिछले 40 साल से देते आ रहे हैं, जिसको कस्टमर्स ने महसूस करा है, और इसी वजह से है कि वो ये महसूस करते हैं कि जितना वो गद्दे का पैसा मतलब देते हैं जैसा आराम स्लिप बेल के साथ माँ जैसा आराम जैसा एक रिक्वेस्ट जी जी जी। ग्वालियर व्यापार मेला में आप देखिए इतना शानदार यहाँ शोरूम डिस्प्ले करते हैं, हमारे ग्वालियर जो व्यापार मतलब ग्वालियर मेला सैलानी है ग्वालियर वासी है उनको कुछ और कंपनी से और कुछ एडिशनली फायदे दिलाने का अगले साल अगर अगर आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रही है, जितना आप पैसा खर्च कर रहे हैं उससे कई गुना क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है और आराम मिल रहा है, तो इससे बेहतर डील कोई हो ही नहीं सकती। मैं आपको डिस्काउंट के तौर पर 10 दे दूँ, 20 दे दूँ, 40 दे दूँ, 50 दे दूँ, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आपने जो पैसा दिया है उसका आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिला है या नहीं, और हम इस बात का दावा करते हैं कि हम वो दे रहे हैं, देते रहेंगे, देंगे। बहुत शुक्रिया मनी जी। क्या कहना चाह रहे हैं जो दर्शक सीधा टीवी पे आपको देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे प्रोडक्ट इतने हैं उसमें चूज करके आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लेके जाएं और फिर आराम करके देखें कि मतलब उसमें कितना आराम है। चलिए वेरी गुड। दीपक जी मैं ये पूछूंगा स्लिप बेल कैसा रिस्पांस ग्वालियर वासी दे रहे हैं? भैया 4 साल से हम लोग स्लिप बेल का यहाँ पे मेला होस्ट कर रहे हैं और स्लिप बेल वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट कंपनी है जिसको गद्दा का बहुत ज़्यादा लग्जरी रहती है। विशाल विंडो कूलर जैसे अपने आप में क्वालिटी रखता है वैसे स्लिप बेल क्वालिटी रखता है। इस बार भी मेले के अंदर हम लोगों ने पूरी रेंज लगाई और जो आप एक्स्ट्रा कह रहे थे तो मेले के अंदर कंपनी एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स दे रही है, पिलो फ्री स्कीम दे रही है, पूरे संभाग के अंदर डिलीवरी फ्री दे रही है, फाइनेंस की स्कीम है, कोई महंगा गद्दा नहीं ले पा रहा तो उसको हम लोग यहाँ फाइनेंस कर रहे हैं, तो कंपनी की तरफ से बहुत सारे ऑफर्स मेले के अंदर कस्टमर्स को। तांत्रिक का नाम बताइए जो आपके द्वारा लगाए गए प्रोडक्ट को पसंद कर लेते हैं ग्वालियर वासी, उस तांत्रिक का नाम क्या है? भैया केवल एक क्वालिटी की बात और विश्वास की बात हो सकती है, फिक्स रेट है, कोई एक्स्ट्रा जैसे सर ने अभी बताया कि हमारे पास 20% 40% के कोई ऑफर्स नहीं है, बिल्कुल मिनिमम प्राइस के अंदर हम लोग मैक्सिमम कम्फर्ट देने की कोशिश करते हैं। स्लीपर कमर दर्द से अगर आप परेशान है मैं कहूंगा एक बार आइए स्लिप बेल मैट्रेस में। देखिए दावा और वादा तो सब लोग करते हैं लेकिन यहां आपको वास्तविकता मिलती है कि हाँ कमर दर्द में आपको आराम मिल जाएगा, नींद अच्छी हो जाएगी, और नींद अच्छी होती है तो आपका दिन अच्छा होता है, खुशखबर दिन आपका होता है। छद्दी नंबर 1 पर लगा हुआ है स्लिप बेल मैट्रेस का, कंपनी का यह शोरूम है विशाल विंडो कूलर के साथ छद्दी नंबर 1 पर। मैं कहूंगा कोई भी गद्दा खरीदने से पहले एक बार आके स्लिप बेल देखें, ऐसा ना हो लेने के बाद आए फिर कहेंगे नहीं ये क्या हुआ, ऐसा मत करिए, पहले आइए देखिए कंपेयर करिए, मेरी गारंटी पसंद आएगा। छत्ती नंबर 1 स्लिप बेल विशाल विंडो अलमारी कूलर के साथ में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के कॉन्सेप्ट की, और आज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सुपर कपल, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे कपल्स के साथ। यहाँ फैमिली है, नाम शिखा, आपका वीरेन सिंह, कहाँ रहते हैं आप लोग? लकड़ाखाना। नाम नीरज राठौर, आपका ज्योति राठौर, कहाँ रहते हैं? पाटंगा चौरा। नाम भाभी जानवी, कहाँ रहते हैं? समाधे कला रवि। चलिए नाम भाई जब कल्पना प्रमोद भार्गव, कहाँ रहते हैं? नवग्रह कॉलोनी। नए तरीके से अंताक्षरी चालू कर देते हैं, आज देखते हैं कि ये जोश भाभियों में ज्यादा है ये अदर भैयाओं में ज्यादा है, देखते हैं आज अपनी इज्जत आप अपनी खुद बचा लेना भैया, मैं सही बता रहा हूँ, इधर महिलाएं हैं, आप देखते हैं कि आज पुरुष जीतते हैं या महिलाएं जीतती हैं, वैसे तो महिलाएं आगे रहती हैं लेकिन यहाँ कौन जीत के जाता है। ठीक है कोई गाना दे दो जल्दी से उनको। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, मेरा महबूब आया आया है, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे बोलो तो लिए बोलो क्यों मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे। क्या कौन सा रा? एक जाइए रा, एक राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते आसे, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने ध्यान भी तुम्हीं को दिया है, अब जाए जो जाए मैं दुनिया से अब न चलूं, तुझसे मैं प्यार करूं। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए क्यों मैं
हाँ यारा ओ यारा मिलना दोबारा जाने क्या रंग लाएगा तुमसे बिछड़ के अब नहीं दिल रह पाएगा गोरी कब से हुई जवान बरना ले जा अपने साथ गोरी कब से हुई जवान बरना ले जा अपने साथ था से ठहरे रही हो ओ बाके लाल रे ठहरे रही हो था से दो थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी हम तो दिल दे चुके बस तेरी हार है बाकी थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे लेकिन जाओगे बाहर याद करेंगे तुझे याद करेंगे गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा तो बा खुदा खैर करे खूब है करिश्मा खूब है करिश्मा गोरे माँ से माँ से मेरा दिल तोड़ा हो गया मुरली वाली की दो ये की बस अरे यार अच्छा गाना था इनको गाना दे चारों को ये चारों को गाना था खुश हो जाइए आप जीत गए खुश हो जाइए जीत गए मतलब महिला फर्स्ट यानी फर्स्ट ठीक है ना अगर इनको चिल्ला के दिखा दीजिए वहीं से चारों ने चिल्ला के दिखाइए क्या उन लोगों ने चलिए माँ से उनको दे दीजिए माँ से माहिनी माही देर पे तेरी बोल रहा है कागा जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी संग लागा देखा ये होता है तत्काल गाया उन्होंने वो टीवी देखते रहते ना अपन टीवी देखते रहते भैया यार क्या अपन जाते हैं ड्यूटी पे टीवी देखने का मौका ही नहीं मिलता ना अपन को तो ये विदा कैसे हुई थी भाभी जी विदा होके आई थी ना वो जरा बता दीजिए कैसे आई थी उस समय कैसे रोई थी बताऊं हाँ बताओ ओ बाबा ऐसी रोए थे क्या आप नहीं ऐसी रोए थे क्या सच्ची में जैसे बता रहे ऐसी रोए थे आप कैसे रोई थी ऐसे ही बिल्कुल कैसे ओ बाबा नहीं सच्ची में ऐसी रोई थी बताना क्या रोए थे ऐसे रोए थे क्या आप अरे राम आप तो अभी तक उनकी नकल बनाए जा रहे और यहाँ मेरे साथ एक कपल जरूर मौजूद है क्या नाम आपका उदय जुनेजा वंदना जुनेजा किस सन में मैंने आपका इंटरव्यू लिया था 1999 में लिया था पक्का एकदम एक नंबर छतरी के पास लिया था जब LG एक नंबर छतरी पे लगा करता था राइट शादी आपकी उसी सन में हुई थी 95 में हुई थी आप लोग घूमने आए थे मेला है ना चलिए मैं आज गिफ्ट आपको भी दूंगा हुई थी क्या मेरा हुई नहीं थी नहीं हुई थी लव मैरिज हुई थी नहीं गाँव की महिलाएं कैसे रोती है अरे भैया मैं नहीं जाऊंगी अम्मे कैसे रोई थी या बेदा हुई थी बेदा क्या मैं बस कैसे रोई थी रोई थी कि नहीं रोई थी ये बताओ सही पहले एक एक चीज बताओ शर्मा होने ये सर में रोई थी कि नहीं रोई थी अरे देख ऐसे ऐसे गाल मत करो आप तो बताओ रोई थी कि नहीं मैं तो ध्यान में रोई तो थी कैसे रोई थी बताओ ना अरे शर्मा नहीं बताओ कैसे रोई थी सब बता दिए समझाओ तुम अरे मेरे को भाई तो मैं जब भी बड़े बड़े पूछूंगा आप एक करके दिखा को जल्दी से कैसे रोई इतनी भाभी नहीं शर्मा रही थी तुम शर्मा रहे हो नहीं आता रोना कैसे रोई थी शर्मा कितने सरवार कैसे रोती है गांव की महिला कैसे रोती है कैसे रोती है इनके चलिए वेरी गुड भाई साहब अभी नहीं रोई रोएंगी ये नहीं नहीं
इनकी शादी हुई थी जब आप? अभी हुई नहीं है, अभी होने वाली है। अच्छा होने वाली है क्या? नहीं ये चक्कर है, अभी तो सुनवा दे प्रैक्टिस। कैसे रोती है गांव की महिलाएं जब बेचारी जाती है लड़कियां पैदा होकर, कैसे रोती है? नहीं पता। हेलो कैसे भी बताइए रोगी कैसे? हेलो पापा। चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। क्या हो गया? फोन ले गया था पापा। अरे क्या हो गया आपको भाई साहब? फोन, फोन कैसे? फोन आपका क्या हो गया? मेरा फोन नहीं मिल रहा। मेरे पास नहीं है कोई, बोल रही आप पे आरोप लगा रही है। तो मैं तो यहीं पे हूँ ना, मैं कहीं गया तो नहीं। एक मिनट एक मिनट मैडम, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपके पास है क्या? नहीं मैं यहीं पे हूँ भैया के सामने। और हमें क्या मालूम? नहीं मैं, ये बात तो सही है, आप यहीं पे हो, लेकिन आप नहीं, मैंने लिया अभी, देख लो आप यहाँ पे ही हूँ, नहीं गया अभी नहीं। आपने नहीं लिया? नहीं मैंने नहीं। कसम खाओ आप? किसकी गाँव बोलो, किसकी गाँव बोला? जो भी है देख लो, जेब से मेरा, मैंने नहीं लिया भैया। जेब से निकाल के दिया हमने, पैंट में दबाया, तो मैंने तोड़ लिया भैया। तो ये पैंट में से? मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया। तो ये मेरी बात सुनो ना, अरे यार ये फोन कैसे निकल रहे हैं यार? ये तो मैंने नहीं लिया। एक तो ये निकल कैसे रहे, ये बताओ ना, ये फोन का निकल है, एक इनका निकल यार, चक्कर क्या है? अरे तो मैंने तो भैया किसी का फोन, ये क्या है यार ये? अरे मैंने नहीं लिया भैया। अरे तो तुम्हारे ये निकल कैसे रहे हैं फोन, ये बताओ ना, तीन फोन निकल आए? मैंने नहीं लिया। अरे बोल रही है, मैंने नहीं लिया किसी का। ये फोन कैसे निकल रहे? चार्जर निकल रहा है भैया। मैंने नहीं लिया किसी का फोन। चलो आपने फिर पुलिस में भेजा। पुलिस, अरे तो मैं भाग दौड़ी रहा पकड़ने के लिए। नहीं क्यों नहीं भाग गया? अरे तो भैया पकड़, भैया मैं ही पकड़ूंगी, भाग गए तो भैया मैं नहीं पकड़ूंगी। इनका फोन लिया नहीं लिया? मैंने नहीं लिया। आप चाहिए आप कैमरे में, कसम खाओ आप, अपनी कसम खा लो, किसकी गाँव का था? नहीं आप जिसको किसको चाहते हो सबसे ज्यादा? अपनी माँ बाप को और किसको? कसम खाओ आपने इनका फोन लिया? आपकी कसम मैंने नहीं लिया। अरे भैया ये मेले में कहाँ रहते हो? मुरैना में। तो मुरैना से ये काम करने आते हो? नहीं नहीं मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी आया बस, मुरैना मिला में घूमते हुए निकल रहा था। तो ये फोन तुम्हारे पास निकले? अरे तो भैया मैंने नहीं लिए, मैं खड़ा हूँ। बोल रही है ना, वो चोरी किया, मुझे मेरे बगल में खड़ा था ये इंसान, मेरे बगल में खड़ा था सर, आप समझ गए? इसको पुलिस, भैया पुलिस को बुलाओ, मैं इसको जाने नहीं दूंगी, पुलिस को बुलाओ। मैंने नहीं लिए। अच्छा लगेगा आपको? नहीं हटाओ, बंद कराओ उसको, तीन दिन मोन चला हटाओ। अरे रुको यार क्या कर रहे हो, उठा के ले जाओ। अरे रुको यार आराम से, मैंने नहीं लिया है। अच्छा तुमने सच में नहीं लिया है? सच में नहीं लिया। चलो तो फिर कोई बात, आप चाहो जिसकी कसम खा रहे हार्ट, मतलब तुम्हारी हार्ट बीट तेज है? नहीं एक मिनट, सच्ची में नहीं लिया ना? सच्ची में। हार्ट बीट तुम्हारी तेज हो गई है, फालतू का आरोप लग रहा है ना? मैंने नहीं लिया। आप शांत रहो, उसका हार्ट फेल हो गया भैया। आप हमारे झटका हो, आप कुछ नहीं हो, अरे ये हमारी कलाकार है, आप मेरी अरे मेरी सुनो, कोई बात नहीं है, आपने नहीं लिया, हार्ट बीट तेज हो गई थी आपकी, देखो चोरी का हमें वही मतलब, टेंशन में आ गए थे ना आप, कोई बात नहीं, गिफ्ट आपको भी मिले। क्या नाम है आपका? जीतू। जीतू कहाँ रहते हो? मुरैना। पूरा नाम क्या है? जीतू प्रजापति। जीतू चलिए, मैं भी आपको भी गिफ्ट दे रहा हूँ। अब झटका कैसा लग रहा है ये तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए टाइम भी हो गया है। ये क्या है यार, ये उछक के एकदम, ये क्या करके आए हो? हवा में से सीधे लैंड हुए या हेलीकॉप्टर से? हेलीकॉप्टर से खुद ही लैंड हो गए वहाँ से? हेलीकॉप्टर से छुपते छुपाते फिर रहे हैं। छुपते छुपाते फिर रहे हैं, जल्दी से चाची वो आ जाएगा। हाँ जल्दी से, ये तलवार जाएगी उसके अंदर आज पूरी, ये तलवार जाएगी आज, ये तलवार तीर पड़ेगा सीधे निशाने बजा के, जब भी वो आएगा। पेश कर रहे हैं आज, आप पेश करो जल्दी से। 20वां साल पूर्ण प्रोग्राम आ मेरे चले आप सबकी जान। मैंने बोला था भाई साहब, कोई बात हो गई तो कोई बात हो गई तो तुम्हें करना चाहिए था पेश। तुम भी तो हम जी मचे मचे आप जी चेक मारो, आज नहीं छोड़ूंगा, तलवार जाएगी सीधे पेट में घुसा के जाएगी तलवार, हट जा। 20वां साल पूर्ण प्रोग्राम मचमा खिमा 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 निकलो लगना क्या क्या क्वीन चाची हो गया आपका, हटो चलो, 20वां साल पूर्ण प्रोग्राम आ मिल नेक्स्ट मैच मैच, ये बाप ये बाप लखनऊ पे खेलती के पकड़ चाची।
वाले डक्की से तो वो कहीं जाएगा नहीं। हट जा। 25 साल पुराना प्रोग्राम। आओ मेरा चले। आप। नहीं 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 ये खबर। चाची। पक्षियां चूही सियां। अब तुम्हारा हो गया तो आ जाए। हटो हटो चलो। हटो हटो दोनों हटो। लो आ गई ब्यूटी भैरा के। हमने तो पहले ही बोल लगी थी क्या क्या फायदा जहाँ पे आने का। मछुआ मछुआ चाची अब चलो हमें से बहुत शानदार बहुत बढ़िया बहुत शानदार। क्या नाम है आपका? डॉली। डॉली तो तुम तो कह रही थी ब्यूटी बेल आके। हाँ तो ब्यूटी तो है। तो तुमने डॉली नाम है? आ तो। अरे क्या मारपीट कर रहे हो पीछे? हिंदी ये आए कैसे डांस करने मेरे से बिना पूछे? चाइनीज मत तुम यहाँ देखते क्या? चाची 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 एक काम करो एक मिनट क्या बहुत सुन रहा हूँ चाची चाची तेरी भैया नहीं भैया भाभी एक मिनट सुनो अरे एक काम करो एक मिनट ले इसको। पारी आती है गिफ्टों की। सबसे पहले आपसे पूछूंगा गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर की स्कीम बतानी तो पड़ेगी आप। गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर इसमें एक बार खरीदो पांच बार जीतो ना खरीदो तो भी जीतो। इसमें मैक्सिमम प्लेट 100% मैक्सिमम प्लेट लगी रहती है। इसमें पानी गिरने के बाद भी वो खराब नहीं होती है। इसको कहीं पर भी जाके यूज कर सकते हैं बाहर भी ले जा सकते हैं कैसे भी इस्तेमाल। इसमें कोई सा भी बर्तन चल सकता है कोई सा भी बर्तन यूज कर सकते हैं। स्कीम तो वही है पाँचों। इस बार दो पल्सर बाइक रखी गई है एक्स्ट्रा मतलब एक थी एक और रखी गई है और 10,000 का कैश है एक LED है और एक बार हाँ DVD एक बार खरीदो पांच बार जीतो नहीं खरीदो वो भी पांच बार जीत सकते हैं और विदेश जाने का टूर है ही यही है सर। अब क्या बता कुछ अलग बताना पड़ेगा जो उन्होंने बताया है बस यही है उसके अलावा कोई ये हाँ फिर उधर चले जाएगा। नहीं नहीं वो बात सही चलिए वेरी गुड। और एक चीज कोई जल्दी से और एक चीज इस बार एक इनका नया इंडक्शन आया है जो ऑटोमेटिक है और इसका कंट्रोल में है जो अपन दूध दूध फैल जाता है अपन एक प्लेट भी ऐसी आई है जो अपन दूध दूध फैल जाता है चटक जाती है बस ये नहीं जल्दी से क्या बताओ बता एक आपके लिए गोल्डन लाइफ आज मैंने बहुत सिंपल कराया है फैमिली टू फैमिली एक आपके लिए गोल्डन लाइफ जीतू पूरा प्रजापति जीतू प्रजापति जीतू राज आप हमारे यहाँ के आज झटका है ठीक है ना झटका है। मैं तो सच्चे बताना विद्या रानी कसम डर गए थे कभी? डर तो चोरी का नाम ही डर होता है डर का नाम ही चोरी डर लग गया था चोरी आप साथ में उनके हाँ नहीं आपको लग रहा था कि फंस गया आज फंस गया मैं भाग गया भाई कमरे का फंस गया था उसको अकेले रह रहे मैं दूर से देख रहा था भाई क्या हो रहा है इसका तुम बाद में थाने में जाते हैं बातचीत कर रहे कोर्ट में नहीं पकड़े जाओ ये चक्कर है एक तो होना चाहिए ना चुड़ाने के लिए कोई हाँ कोई चुड़ाने के लिए लेकिन आपके लिए विशाल विंडो कूलर से आप झटका मारे हो स्लिप बेल मैट्रेस से एक आपके लिए उपहार के लिए है। आपने बहुत अच्छा एक्ट किया है आपके लिए भी है ये विशाल विंडो कूलर विशाल अलमारी 36 नंबर 1 पे स्लिप बेल मैट्रेस का शोरूम लगा है। देखकर आए आप? जी हाँ देखकर आए। टीवी पर अभी आप स्कीम सुन ही रहे होंगे? नहीं टीवी पे नहीं सुनी है अभी। टीवी पे नहीं सुना आपने? अच्छा प्रोग्राम नहीं देखना शुरू किया? अभी नहीं किया इस साल नहीं किया है। अरे क्यों? अरे भैया आज तो 4th दिन हो गया 5th दिन है आज। हाँ मगर अभी देखना शुरू नहीं किया। आपके लिए है स्लिप बेल मैट्रेस विशाल विंडो कूलर 36 नंबर 1 करवाल फोटो फ्रेम से है। अब आपकी होने वाली है कितनी तारीख की है? 14 तारीख ये 14 फरवरी 14 फरवरी तो चलो अच्छी बात है एंजॉय कर रहे हैं अभी। आप कहाँ कहाँ रहते हैं? लखनऊ खानेपुर पे। और आप? लखनऊ खानेपुर। लव मैरिज कर रहे हो क्या? जी लव मैरिज कर रहे हो यही चक्कर है। एक आपके लिए रख लो अग्रवाल फोटो फ्रेम से
छठी नंबर 3 और कश्मीरी गेट के बीच में है। आप फोटो आप जो शादी के खिंचवा उनके फ्रेमिंग करवाने आप जरूर जाना। ओके। पास कौन सा स्कूल है ये? MIS पूरा मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल। हाँ, कहाँ पर? शिपलिंग। क्या क्या है यहाँ? इसमें हॉर्स राइडिंग होती है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, हर किसी बच्चे का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी गुड। एक आपके लिए MIS मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल के पास। कहाँ रहते हैं आप लोग? पाटन का चौराहा। मुरार में आपने प्रोग्राम देखना शुरू किया इस साल का? इस साल हमारे फैमिली लोग हैं। अच्छा, मुरार में है ये गरम सड़क पे बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन नया शोरूम खुला है 3 मंजिल का। हाँ, जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे, खाली आप कुछ ना कुछ लेकर आओगे। उनकी तरफ से एक आपके लिए रख लो, ये कॉम्प्लीमेंट्री उपहार आपके लिए। ओस बुटीक कविता सोनी जी की तरफ से रखते जाइए, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है, आपके लिए है और एक आपके लिए और है मेरे पास रीडा शूज से, एक आपके लिए है, रखते जाइए। एक आप अपने अपने हाथ में रखिए। ओके, मैं वापस ले लूंगा मैं। एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए है। पढ़े लिखे तो हो? पढ़े लिखे, सड़क पे भी ऐसी चलता है क्या? नहीं चलता तो फिर यहाँ मत चलाओ। एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है रीडा शूज से। एक एक और है मेरे पास पद्मश्री चाय से। तुम्हारे मोरेना में भी मिलते हैं ये? हाँ, पद्मश्री मिलते हैं। हाँ, चाय बहुत अच्छी चाय। जकास की रात से? अरे जकास। लेकिन ये मोबाइल वोबाइल कहाँ निकालते हो किसी के? अरे मोबाइल अपने पास एक छोटा सा है, ले लेंगे। तुम्हारी जेब से 3-4 निकले। अरे मैं कुछ सोच रहा हूँ, इतनी जेब नहीं, इतनी मोबाइल कहाँ देंगे? पेंट में से निकाल रहा हूँ एक छोटा सा मोबाइल। एंड्रॉइड निकल रहे हैं भाई, पीछे से निकाल दो एक मोबाइल। हाँ, एक आपके लिए पद्मश्री चाय से, आपके लिए भी है पद्मश्री चाय से, आपके लिए एक आपके लिए भी है पद्मश्री चाय से, आपके लिए है एक, आपके लिए है एक, एक और है मेरे पास आप सबके लिए है। विशाल विंडो कूलर, विशाल अलमारी, विशाल विंडो कूलर, विशाल अलमारी, विशाल विंडो कूलर, विशाल अलमारी। और ताज पोहा खाते हो आप? कैसा लगता है? बहुत अच्छा। सच्ची में? हाँ। ये खाया ताजमहल का? नहीं। एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए है मेरे पास ताजमहल, आपके भी है ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए जो तुम्हारे मुरैना में भी मिलता हूँ ताजमहल पोहा मिलता है। हाँ, जानदार है ये। अब तो मुस्कुराए गए देख सारे कितने, लेकिन ये बैठे होते भाई पूछ रहे होते किन किन के निकाले, तुमने नहीं निकाले लेकिन पूछ रहे होते। एक एक और कृष्णा डिजिटल फोटो से एक आपके लिए और है, आपके लिए है एक आपके लिए कृष्णा डिजिटल, ये आपके लिए नया बाजार से, आपके लिए भी है और एक आपके लिए कृष्णा डिजिटल से। फाइन आर्ट स्टूडियो नई सड़क फोटो खिंचाया है? नहीं। सच्ची में नहीं खिंचाया? नहीं। एक आपके लिए है फाइन आर्ट स्टूडियो नई सड़क से, आपके लिए है। कहाँ गई भाभी जी? आप दोनों को नजर ना लगे, एक आप दोनों के लिए है, आपके लिए भी एक फाइन आर्ट स्टूडियो नई सड़क से। देखा है फोटो भी खिंचवा लिया? अरे वाह, अभी खिंचवाया, अभी खिंचवाया था दोनों का बच्चे के साथ फैमिली अच्छा है। सच्ची में अच्छा है? बढ़िया। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, नहीं, नहीं। विद्या रानी का एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है फाइन आर्ट स्टूडियो नई सड़क से, एक आपके लिए भी है और एक आपके लिए भी है फाइन आर्ट स्टूडियो नई सड़क से, एक आपके लिए भोगरा नमकीन से। एक एक आपके लिए और है, एक आपके लिए भी है भोगरा नमकीन, एक आपके लिए भी है और एक आपके लिए भी है। अब पूछूंगा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। एक और देता हूँ आपको, आप दोनों को, आप मेरे 99 के यहाँ पर एक तरीके से दर्शक है और इंटरव्यू आपने दिया है। वेलकम बेकरी से पिज्जा का कूपन है आपके लिए, हाईकोर्ट पर, ओल्ड हाईकोर्ट वेलकम बेकरी, आप पिज्जा उनसे लेकर आइए। भूल जाएंगे ये विज्ञापन वाले पिज्जा को, मैं सही बता रहा हूँ। इसके लिए गालब चक्की प्रेस आटा से, एक एक आपके लिए और है, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए गालब से है, एक आपके लिए, आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए और है, आपके लिए भी है, एक आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से है, एक आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ से, एक आपके लिए भी गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए है। रख लो एक ताजमहल पोहा से, ये चॉकलेट आपके लिए और है, एक एक, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए और है और एक एक और है मेरे पास बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन मुरार गरम सड़क, आपके लिए और है, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है, रख लीजिए, एक आपके लिए भी है और एक आपके लिए है। कहाँ रहते हैं? एक आपके लिए रख लो पद्मश्री चाय से, एक आपके लिए उपहार है। इधर क्या नाम है आपका? सपना वर्मा। नाम ही नहीं है? सपना वर्मा। एक आपके लिए रख लीजिए पद्मश्री चाय से, एक आपके लिए। क्या नाम है? पार्थ अरोड़ा। रख लो एक आपके लिए। क्या नाम है आपका? इधर आओ। क्या नाम है? मेहता। एक आपके लिए है
बिंदल फैमिली कलेक्शन से एक आपके लिए, क्या नाम है साहब? विनोद जैन। कहाँ रहते हैं? मुरार। एक आपके लिए रख लो, बिंदल फैशन। आइए, क्या नाम है भाभी जी? आइए आगे आइए। सोनाली। सोनाली। कहाँ रहते हैं? मुरार। मुरार, मेले का प्रोग्राम देख रहे हैं? हाँ। एक आपके लिए रख लीजिए, मुरार में खुला ये तो। अच्छा। बिंदल फैमिली, हाँ, फैशन कलेक्शन गरम सड़क पे। एक आपके लिए, क्या नाम है? सीमा। एक आपके लिए रख लो, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से। बेटे क्या नाम है? जरा नाम। आपके लिए रख लो, ये ताजमहल पोहा से। और दोस्तों यहाँ से सीधे चलते हैं आप झूला सेक्टर, और आज देखते हैं मंगल के दिन क्या नजारा है। यहाँ से सीधे झूला सेक्टर। मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर भी मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। मैं तो बेघर हूँ, मत मत होना हमसे बोझल, दफ्तर में छुट्टी हो तो मत होना हमसे बोझल, रुक जाना। होटल क्या तुम्हारा दिमाग? मैं तो बेघर हूँ, ला 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 ला। अरे अरे, क्या कर रही हो? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम MIS आओ मेला चले। अब कल यानी आज बुधवार, और आज का कॉन्सेप्ट है सुपर वुमेन। गुरुवार का है सुपर बॉय, शुक्रवार का है सुपर वुमेन और सुपर गर्ल, और शनिवार का फिर से एक बार मिक्स हो जाएगा सुपर वुमेन गर्ल और बॉय। तो आज के इस कार्यक्रम इसके साथ में सिटी केबल में हमारे जितने नए दर्शक हैं उनसे और बोलूँगा, अगर आप यूट्यूब पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो सिर्फ आपको आओ मेला चले डालना है, आपको पर डे का पर डे ये प्रोग्राम मिल जाएगा। लगभग रात 11:30-12 बजे तक आज का एपिसोड रात 11:30-12 बजे तक अपलोड हम लोग कर देते हैं। अगर इंटरनेट स्लो होता है तो टाइम लगता है, नहीं तो अदरवाइज 11:30-12 बजे तक हम लोग अपलोड कर देते हैं इस कार्यक्रम को। सिटी केबल पे 96 चैनल पे आप लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसके साथ में हैथवे पर 866, SR पर 1853 और 63 नंबर 1853 और 63, इसके साथ में डिजियाना पर 02 नंबर पर चैनल पर इस कार्यक्रम का प्रसारण, और डैन पर 155। डैन पर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी लोकल चैनल दिल्ली से बंद हो गए, लेकिन शायद संभवतः कल बुधवार तक ये लोकल चैनल चालू हो जाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं शिरीष गुप्ता गुड्डू, कैमरामैन ऋषभ साखला और ऋषि, सपोर्टेड एंकर निखिल कटारिया, बाबू बेधड़क, हेमंत मारिया, करण भगेल, हनी शंखवार, शिवानी और इसके साथ में अभिषेक चौथवानी के साथ इस वादे के साथ इजाजत चाहता हूँ कि कल आपसे इसी चैनल पे इसी जगह पुनः मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए सभी नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार, सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श, और सभी हम उम्र को हाय। अंत में आज इजाजत और कल मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।